हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको जो है सऊदी अरबिया में लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जो लेक्चर होती है, जो क्लासेस होती हैं, वो आपको वहाँ पे कैसे अटेंड करनी है, उसकी कितनी फ़ीस है, कंप्यूटर टेस्ट में कैसे आपका होता है, उसके बाद जो ड्राइविंग स्कूल है दल्ला ड्राइविंग स्कूल, वहाँ का क्या है सिस्टम और कैसे कैसे वहाँ पे आपको जाना है, कैसे परमिट करनी है, और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, कितना चार्ज लगता है भरने का। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है किसी कंट्री का और उसको आप जो है सऊदी में ड्राइविंग लाइसेंस उसको चेंज करके लेना चाहते हैं, तो जो ट्रांसलेशन वगैरह होता है उसके लिए क्या है सिस्टम्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर और लेते आप जो हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे दो काम करना होता है, पहला क्या है, पहला ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होता है, जो फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट होता है, और दूसरा है कंप्यूटर टेस्ट को भी पास करना होता है साथ ही साथ, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो जो क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं उस कंप्यूटर टेस्ट में वो कौन कौन से होते हैं और किस बेस पे होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर इन क्वेश्चंस को आपने एक बार देख लिया, एक बार समझ लिया, तो कंप्यूटर टेस्ट के एग्जाम को आप 100% पास होके ही आएंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमें लाइफ इन सऊदी अरबिया के पेज पे, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जो है सऊदी अरबिया से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं आप उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनके पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सऊदी ड्राइविंग स्कूल कंप्यूटर टेस्ट क्वेश्चन आंसर दल्ला। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइल अप्लाइंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी अरबिया यू विल हैव टू पास अ कंप्यूटर टेस्ट। हियर आर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर द दल्ला ड्राइविंग स्कूल कंप्यूटर टेस्ट फॉर द सऊदी अरबिया ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए जो कंप्यूटर टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो देयर विल बी 35 क्वेश्चंस इन द दल्ला ड्राइविंग स्कूल कंप्यूटर टेस्ट, आउट ऑफ विच यू विल हैव टू आंसर 22 करेक्टली। यू कैन स्किप क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग दी रॉन्ग आंसर्स। यानी कि जो टोटल क्वेश्चंस आएगा वो 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 22 जो है आंसर आपको करेक्टली देने हैं, तभी आपका कंप्यूटर टेस्ट पास होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, जो मतलब कि गलत आंसर देने के बजाय उसको आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि 22 आंसर आपको देना है कंप्यूटर टेस्ट को पास करने। सो देखिए, यहाँ पे दो सेक्शन में क्वेश्चंस होता है। तो पहला सेक्शन क्या है, 60% ऑफ क्वेश्चंस जो है पहले ही सेक्शन में आएगा और 40% ऑफ क्वेश्चन जो है दूसरे सेक्शन में आएगा। तो सेक्शन उनमें क्या है, FAQs इन दल्ला ड्राइविंग स्कूल कंप्यूटर टेस्ट, जो फ्रीक्वेंटली आफ क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इस कंप्यूटर टेस्ट के एग्जाम में। सो यहाँ पे देखिए, बताया है कि जो 60% आपको क्वेश्चंस और आंसर मिलेगा उस सेक्शन वन से दिए जाएंगे। सो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विदाउट। तो यही क्वेश्चन रहेगा और सामने आपके चार यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसी में से आपको चूज करना है। तो जैसे कि पहला है ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परमिट, स्विच ऑन द व्हीकल्स लाइट, यूज आई ग्लासेस, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि आपको लाइसेंस प्राप्त करना है गाड़ी को चलाने के लिए, या फिर स्विच ऑन दी व्हीकल्स लाइट, लाइट को स्विच गाड़ी की लाइट को ऑन करना है, या फिर आई ग्लासेस को यूज़ करना है। तो अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं रोड पे, तो आपको जो है ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस आपको चाहिए, तभी जो है आप गाड़ी चला सकते हैं, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ऑब्टेनिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स, मतलब अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपको ऐसे चार सेक्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्टिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लाई विद दी ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि जो ट्रैफिक रूल्स का रेगुलेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है उसकी जो है नियम शर्तों को मतलब एक्सेप्ट करना, उसका पालन करना, या फिर दूसरा है दैट यू आर इम्यून फ्रॉम इनकाउंटरिंग अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब कि अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, दैट यू बिकम ए स्किल्ड ड्राइवर, मतलब उसका ये हो कि आप बहुत ही अच्छे और कुशल ड्राइवर हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है चूज करना है, तो आंसर्स क्या होगा आपका, ये होगा कि एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपका आंसर्स होगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उसका मतलब ये होता है। अब देखिए, क्वेश्चन थ्री क्या है, पर्सनल लाइसेंस आर गिवेन टू पर्सन हुज व्हीकल वेट डजंट एक्सीड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो उसका आंसर है वो 3.5 टन, यानी कि पर्सनल लाइसेंस जो होता है उन्हीं को देता है जिसके व्हीकल ने जिसकी गाड़ी का वेट जो है 3.5 टन से ज़्यादा का नहीं होता है, उन्हीं को मिलता है पर्सनल लाइसेंस। अगर आपको 3.5 टन से ज़्यादा की आपकी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल लाइसेंस नहीं, वहाँ आपको दूसरा लाइसेंस मिलेगा। तो पर्सनल लाइसेंस के लिए कितना होना चाहिए वेट गाड़ी का, 3.5 टन, उसी गाड़ी को आप चला सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, हाउ कैन पीपल हु कम ऑन अ विजिट वीजा ड्राइव इन सऊदी अरबिया, यानी कि अगर कोई है जो सऊदी अरबिया में विजिट वीजा पे आ रहा है वो गाड़ी को कैसे चला सकता है, तो इसका आंसर क्या है, विद एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि अगर उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तभी वो सऊदी अरबिया में विजिट वीजा पे गाड़ी चला सकता है, तो आपका आंसर होगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ये स्पीड लिमिट के बारे में जो है क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसको आपको समझना है ध्यान से। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इज इट अ मस्ट टू कंप्लाई विद द स्पीड लिमिट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि ये बताया जा रहा है कि जो स्पीड लिमिट है वो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में जो है आपको जो है स्पीड लिमिट का पालन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे देखिए आपके पास ऐसे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, यस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, बी रहेगा यू मस्ट नॉट ऑलवेज कंप्लाई, इंस्टेड यू मस्ट कंसीडर द रोड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस अपॉन द ड्राइवर्स डिजायर, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि आपको हर परिस्थिति में पालन करना है, या तो ये होगा या तो फिर आप ये देखिए यू मस्ट नॉट ऑलवेज कंप्लाई, मतलब आपको हमेशा जो है नहीं कंप्लाई करना है बल्कि आपको देखना है कि रोड का कंडीशन कैसा है, वेदर का कंडीशन कैसा है, और सराउंडिंग और जो आसपास की में है उसका कंडीशन का, उस हिसाब से आपको स्पीड लिमिट अपनी देखनी है। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए स्पीड लिमिट 80 दिया हुआ है तो अगर रोड सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है और वहाँ पे काफ़ी ऐसा है मतलब जो सराउंडिंग है उतना बिजी है तो आपको 80 पे ही चलाना, नहीं, उसके हिसाब से आपको स्पीड लिमिट अपना कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है। तो आपका आंसर होगा यू मस्ट नॉट ऑलवेज कंप्लाई, इंस्टेड यू शुड कंसिडर द रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्मॉल व्हीकल्स इन साइड टाउन्स अर्बन जोन, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड क्या है जो छोटी गाड़ी है जो शहर के अंदर चलती हैं उनका मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो उसका आंसर है 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपको यही आंसर जो है लिखना है 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देर इज नो प्लेट इंडिकेटिंग द लिमिट ऑफ स्पीड ऑन अ रोड इन साइड टाउन्स व्हाट द ड्राइवर शुड डू, मतलब कि अगर आप किसी शहर के अंदर चला रहे हैं गाड़ी और वहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं लिखा है बोर्ड पे जो लिखा होता है उसी रोड के किनारे, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, तो देखिए उसका आंसर रहेगा कि डोंट एक्सीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड है सिटी के अंदर का 80 किलोमीटर पर आवर, उससे आपको ज्यादा नहीं चलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रक इन साइड टाउन्स अर्बन जोन, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो टाउन्स के अंदर यानी कि सिटी के अंदर जो अर्बन जोन है उसके अंदर मैक्सिमम स्पीड क्या है ट्रक की, तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको जो है यही आंसर चूज करना है, 50 किलोमीटर पर आवर जो है मैक्सिमम स्पीड है ट्रक का अगर वो इन साइड टाउन्स या अर्बन जोन में चल रहा है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रक आउटसाइड टाउन रूरल जोन, यानी कि अगर शहर के बाहर ट्रक चल रहा है तो उसका अधिकतम स्पीड क्या है, तो उसका अधिकतम स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सिटी के अंदर था तो 50 और सिटी के बाहर चल रहा है तो 100, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको चूज करना है, यही आपको लिखना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्मॉल व्हीकल आउटसाइड टाउन्स, यानी कि छोटी गाड़ी की जो स्पीड है वो शहर के बाहर मैक्सिमम कितनी है, तो उसका आंसर है 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है आप शहर के बाहर चला रहे हैं अगर छोटी गाड़ी, तो उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम लिमिट यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फास्टर द स्पीड, मतलब कि सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 11, द फास्टर द स्पीड, मतलब कि अगर फास्टर स्पीड रहेगी तो वहाँ पे आप क्या आपके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ मैं बता देता हूँ, जैसे ए है द मोर यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय द अदर ड्राइवर्स, मतलब कि अगर फास्ट स्पीड कर रहे हैं जो अदर ड्राइवर्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, या फिर दूसरा है बी का है ऑप्शन द मोर द इंश्योरेंस प्रीमियम विल इंक्रीज, जितना तेज चलाएंगे उतना जो है इंश्योरेंस प्रीमियम आपका बढ़ेगा, फिर चौथा है द लेस कंट्रोल यू विल हैव ओवर द व्हीकल, मतलब कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना कम कंट्रोल आपका गाड़ी के ऊपर रहेगा, और चौथा क्या है विल लीड टू फेलर ऑफ ऑपरेटिंग द एबीएस सिस्टम, मतलब कि जो ओबीएस सिस्टम है उसका आपका मतलब फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि द फास्टर द स्पीड, अगर आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा है तो उसका आंसर होगा द लेस कंट्रोल यू विल हैव ओवर द व्हीकल, यानी कि अगर आपकी स्पीड बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो जो कंट्रोल होगा गाड़ी के ऊपर वो आपका बहुत ही कम होगा। तो आपके लिए यही ऑप्शन चूज करना है, द लेस कंट्रोल यू विल हैव ओवर द व्हीकल। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डेथ इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो क्या है जो है सबसे ज्यादा कारण होता है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जो मौतें होती हैं, जो लोग मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में, उसका क्या कारण है? हाई स्पीड। उसका आंसर क्या है? हाई स्पीड, यानी कि जो तेज गाड़ी चलाते हैं उसका सबसे यही सबसे मेन कारण है एक्सीडेंट का। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो सेफ डिस्टेंस है आपकी गाड़ी का और आपके सामने वाली गाड़ी के बीच का वो कितना है, द स्पीड बाई विच यू ड्राइव योर कार। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा जा रहा है कि द सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो आपकी गाड़ी का डिस्टेंस और आपके सामने की गाड़ी का डिस्टेंस है वो किस पे मतलब बेस्ड होता है। तो वो बेस्ड होता है स्पीड के ऊपर, जिस स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, यानी कि अगर आप तेज चला रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है कि ब्रेक लगाएंगे तो उतना आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर स्लो चला रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, जिस स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फर्टल एंड कॉमन ट्रैफिक वायोलेशन इन सऊदी अरबिया, मतलब सबसे मतलब खतरनाक जो है कॉमन ट्रैफिक वायोलेशन क्या है सऊदी अरबिया में। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसके सामने ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो उसका जो आंसर है एक्सेसिंग स्पीड एंड रनिंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड और ट्रैफिक सिग्नल जो रेड ट्रैफिक लाइट होता है उसको जो है क्रॉस करना, पार करना ज़्यादा स्पीड लिमिट में, ये सबसे जो है वहाँ पे कॉमन ट्रैफिक वायोलेशन सऊदी अरबिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट बाई मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर जो स्पीड लिमिट सेट की गई है उससे आप जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो कितना पॉइंट्स आपको वहाँ पे लगेगा। सो देखिए आपके वहाँ पे लाइसेंस में 6 पॉइंट्स जो है आपको ऐड किया जाएगा और जो है 500 सऊदी रियाल का आपको फाइन लगेगा अगर जो स्पीड लिमिट सेट की गई है उससे आप 25 किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जैसे मान लो कि 80 की लिमिट है आप जो है 105 पे चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6 पॉइंट का जो है चार्ज होगा, फाइन होगा, और 500 सऊदी रियाल भी वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा उसका, वो भी आपको फाइन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग एट अ चेक पोस्ट विद मोर देन 25 किलोमीटर स्पीड। सो जहां पे अगर चेक पोस्ट है तो वहां पे अगर आप जो है 25 किलोमीटर स्पीड से आप जो तो यानी कि जहाँ पे चेक पोस्ट होता है तो वहाँ पे अगर जो स्पीड लिमिट है उससे आप 25 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो कितना फाइन है, कितना पॉइंट्स मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आपके लाइसेंस में 4 पॉइंट ऐड किया जाएगा और 300 सऊदी रियाल जो है आपको फाइन लगेगा अगर आप चेक पोस्ट जहाँ पे है उससे आप वहाँ की जो स्पीड लिमिट है उससे आप 25 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ओवरटेकिंग के बारे में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताया गया है, तो वो आपको ध्यान से इसको देखना है। तो व्हाट डज द ड्राइवर टू डू स्विच बिटवीन ट्रैक्स। सो अगर आप मान लीजिए रोड पे गाड़ी चला रहे हैं आपको ट्रैक चेंज करना है तो ड्राइवर जो है क्या करता है ट्रैक को चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, यूजिंग इंडिकेटर्स टू लेट अदर्स नो दिस, यानी कि आपको इंडिकेटर यूज करना है अगर आप जो है ट्रैक को चेंज कर रहे हैं कि आप राइट में जा रहे हैं कि लेफ्ट में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना जो है इंडिकेटर को जो है दिखा ऑन करना है ताकि दूसरों को पता चले कि आप ट्रैक चेंज करने वाले हैं आगे। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखिए व्हाट इज द ब्लाइंड एरिया, व्हाट इज द ब्लाइंड एरिया मतलब ब्लाइंड एरिया क्या है, तो बता रहा है द एरिया विच कैन नॉट बी सीन विदाउट मूविंग वंस हेड।
मतलब कि ऐसी एरिया जहाँ पे जिसको आप नहीं देख सकते हैं विदाउट मूविंग वंस हेड। तो इसके जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको यही चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सॉलिड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द रोड मीन। मतलब कि जो रोड है अगर उसके बीच में दो सॉलिड लाइन है, मतलब बिना कटी हुई लाइन जो सीधी लाइन आ रही है, अगर वो है तो उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, मतलब कि आपको ओवरटेक वहां पे नहीं करना है। तो आपका आंसर होगा ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ वाइट कंटिन्यूअस लाइन विद अ ब्रोकन लाइन एट द अदर साइड इंडिकेट्स। मतलब कि रोड पे जो है एक कंटिन्यूअस लाइन गई है बिना टूटी हुई, और दूसरी तरफ जो है एक ब्रोकन लाइट है जो कि मतलब बीच बीच में टूटी हुई लाइन है, तो उसका क्या मतलब, वो क्या इंडिकेट करती है? तो आंसर में क्या है कि ओवरटेकिंग इज अलाउड फॉर इनकमिंग व्हीकल्स इन द रिवर्स डायरेक्शंस। सो मतलब कि ओवरटेकिंग जो है जो रिवर्स डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है वो लोग ओवरटेक उनके लिए अलाउड है, जिनकी लाइन टूटी हुई है वो लोग ओवरटेक कर सकते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे है वही बताया गया, उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया, व्हाइट कंटिन्यूअस लाइन विद अ ब्रोकन लाइन एट द अदर साइड इंडिकेट्स। तो क्या था? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इन हाइट्स एंड बेंड्स। मतलब कि जहाँ पे हाइट्स होती है और बेंड्स झुकाव होता है वहाँ पे ओवरटेकिंग को मतलब प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब कि मना किया जाता है कि यहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। तो उसका आंसर क्या होता है? दी अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट विजिबल, बिकॉज जो दूसरा डायरेक्शन है जैसे कि जहां आप हाइट पे जा रहे हैं या फिर नीचे से आ रहे हैं, तो जो अगर डायरेक्शन होता है ना वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसीलिए वहां पे ओवरटेक के लिए मना किया जाता है कि यहाँ पे ओवरटेकिंग आपको अलाउ नहीं है हाइट और बेंड्स पे। तो उसका रीजन ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट विजिबल। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। वेन एंटरिंग अ राउंड अबाउट हु हैज द प्रायोरिटी। मतलब कि अगर आप राउंड अबाउट के आसपास है वहां पे एंटर करने वाले हैं तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी राउंड अबाउट में एंटर करने के लिए? सो प्रायोरिटी उसी की है, द ट्रैफिक इन द राउंड अबाउट, जो ऑलरेडी राउंड अबाउट में एंटर कर चुका है पहले उसकी प्रायोरिटी होगी, पहले उसको निकल के जाना है, तो उसके बाद आप राउंड अबाउट में एंटर करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ड्राइवर अप्रोचेस द इंटरसेक्शंस ऑफ रेलवे व्हीकल व्हेन ओवरटेकिंग द फ्रंट कार इज प्रोहिबिटेड। सो मतलब कि अगर एक ड्राइवर है जो कि रेलवे का इंटरसेक्शंस है, ओके रेलवे व्हीकल का इंटरसेक्शन है वहां पे पहुंच रहा है, तो उसको ओवरटेकिंग अगर उसके सामने कोई कार है तो उसको ओवरटेकिंग के लिए मना कब है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है व्हेन इट इज फार फ्रॉम द इंटरसेक्शन विद अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, यानी कि जो इंटरसेक्शन है रेलवे का व्हीकल का अगर उससे उसकी डिस्टेंस 30 मीटर रह जाती है तो वहां पे उसको आप उसको ओवरटेक नहीं करना है आपके सामने वाली गाड़ी को, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस कितना? 30 मीटर। अगर 30 मीटर के दायरे में आप आ चुके हैं तो वहां पे आपको ओवरटेक अपनी गाड़ी को नहीं करना है अगर आप रेलवे व्हीकल के इंटरसेक्शन पे जा रहे हैं पहुंच रहे हैं तो। अब देखिए हु हैज द प्रायोरिटी ऑफ ओवरटेकिंग, मतलब कि सबसे प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता किसको मिलती है ओवरटेक करने के लिए।
तो आंसर है वन हु ड्राइव्स इन दी लेफ्ट लेन, यानी कि जो ड्राइव लेफ्ट लेन में कर रहा है उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है ओवरटेक करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट फोर्सेस पुश द व्हीकल अवे फ्रॉम द कर्ब, यानी कि वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी शक्ति है जो व्हीकल को कर्व पे जो है मतलब कि व्हीकल को कर्व से अंदर रखती है, बाहर रखती है। तो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको आंसर करना है कि व्हाट फोर्सेस पुश द व्हीकल अवे फ्रॉम द कर्व, तो वो है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको इसका आंसर, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये जैसे कि मान लीजिए कहीं पे टर्न है, जैसे कि मान लीजिए आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना हुआ है या फिर टर्न है या फिर रोड मुड़ा हुआ रोड है, कर्व वाला रोड है, तो जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो कौन सी फोर्स होती है, कौन सी शक्ति होती है जो आपकी गाड़ी रोड से बाहर नहीं फेंकती है, वो अंदर ही रखती है, वो ही उसी बोलते हैं, ये शक्ति होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं तो आपकी गाड़ी ऐसे घूमते ऐसे टर्न करते हुए जो है गाड़ी आपकी मालूम यहाँ पे नहीं जाती, आपको अंदर ही रखती है दबा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिट्स ऑफ हाईवेज, मतलब कि अगर आप हाईवे पे चल रहे तो क्या पर्पज है एंट्री और एग्जिट का। सो गिविंग दी अपॉर्चुनिटी टू दी ड्राइवर्स टू एडजस्ट देयर स्पीड अकॉर्डिंग टू दी ट्रैफिक, मतलब कि जो ड्राइवर्स हैं उनको कुछ मतलब कि चांस दिया जाना ताकि अपनी वो लोग स्पीड को जो है एडजस्ट कर सकें ट्रैफिक के हिसाब से, इसलिए वहाँ पे एंट्री और एग्जिट्स होता है हाईवे का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एग्जिटिंग दी फ्रॉम दी हाईवे इट इज प्रिफरेबल टू, यानी कि अगर आप हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिफरेबल है, तो उसका ऑप्शन रहेगा रिड्यूस स्पीड, यानी कि अगर आप हाईवे से बाहर निकल रहे हैं तो पहले सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को कम करना है, तो ये प्रिफर होता है कि अपनी स्पीड को पहले कम करिए उसके बाद जो है हाईवे से एग्जिट करिए। व्हेन एंटरिंग दी हाईवे इट इज प्रिफरेबल टू, यानी अगर आप हाईवे में एंटर कर रहे हैं तो क्या है प्रिफरेबल, तो इंक्रीज दी स्पीड, यानी कि अगर हाईवे में एंटर कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना है ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उस वो उससे आपका एक्सीडेंट ना हो, मतलब कि उसे टकराए ना, क्योंकि स्पीड आपको हाईवे में स्पीड में ही एंटर करना है। तो अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड को कम करके निकलना है, अगर आप एंट्री कर रहे हैं हाईवे में तो आपको स्पीड को इंक्रीज करके यानी बढ़ा के एंटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर मैन्यूवरिंग एट हाई स्पीड बिटवीन व्हीकल्स, मतलब कि अगर आप जो जैसे बोलते हैं मैनोवरिंग यानी घूमना एट हाई स्पीड बिटवीन व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल्स है अगर आप उसके बीच बहुत ही हाई स्पीड से निकल रहे हैं तो क्या कितना फाइंस है, कितना पॉइंट्स है, तो 8 पॉइंट्स वहां पे आपको मिलेगा और 500 दिनार 500 रियाल का जो है आपको यहाँ पे फाइन भी लगेगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर फेलर टू गिव वे टू द ड्राइवर हु हैज द राइट, मतलब कि अगर आप जो है जो ड्राइवर है उसको आप रास्ता देने में फेल हो जाते हैं, जिसका मतलब राइट है कि उसको रास्ता मिलना चाहिए था लेकिन आप नहीं देते रास्ता जानबूझ के या फिर आप नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे कितनी पॉइंट्स आपको लगेंगी, आपको 6 पॉइंट का फाइन वहां पे आपको लगेगा, 6 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर नॉट कंप्लाइंग विद ट्रैफिक रेगुलेशन एट रोड इंटरसेक्शन, यानी कि जहां पे रोड पे इंटरसेक्शन बना हुआ है अगर आप उसके ट्रैफिक के रेगुलेशन को पालन नहीं करते हैं, उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो आपको देखिए आपको 6 पॉइंट आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 300 रियाल का फाइन वहां भी आपको होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी रोड पे इंटरसेक्शन है तो उसके ट्रैफिक रेगुलेशन को आपको पालन करना है कि वहां पे आपको कैसे आपको चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल इन कर्व्स एंड अप हिल्स, यानी कि जैसे अप हिल्स पे या फिर कर्व्स पे बोलते हैं ओवरटेकिंग नहीं किया जाएगा, नहीं करना मतलब वहां पे मना किया जाता है, तो लेकिन अगर आप ओवरटेकिंग कर लेते हैं तो आपको क्या क्या पेनाल्टी होती है, तो पेनाल्टी में 6 पॉइंट्स ऐड होगा आपके लाइसेंस में और 500 रियाल्स का आपको फाइन होगा वहां पे
अगर आप कर्व पे और अपहिल पे, यानी कि जो ऊपर चढ़ने वाला होता है या फिर ऐसे घुमावदार होता है, तो वहाँ पे अगर आप ओवरटेक करते हैं तो आपको ये इतना फाइन होगा। अब देखिए, आपके पास जो है आ गया है सीट एंड सेफ्टी बेल्ट से रिलेटेड के क्वेश्चंस, तो यहाँ भी आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चंस क्या है, इज इट नेसेसरी टू यूज अ सीट बेल्ट, मतलब कि क्या ये जरूरी है कि आपको हमेशा सीट बेल्ट जो है यूज करना चाहिए। तो इसको आपको आंसर सेलेक्ट करना है यस ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज हमेशा फतेह आपको जो है सीट बेल्ट यूज करना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रेन लेस देन 10 ईयर्स नीड फिक्स्ड चेयर्स विद सीट बेल्ट। सो देखिए, जो चिल्ड्रेन 10 साल के छोटे होते हैं, बच्चे जो 10 साल से छोटे होते हैं, उनका जो सीट होता है उनका उनके लिए फिक्स चेयर होनी चाहिए, और जो सीट बेल्ट होता है वो जो है होनी चाहिए। तो बताया रहा है यस बोथ, यानी कि सीट बेल्ट फिक्स, सीट चेयर होनी चाहिए और सीट बेल्ट भी होना चाहिए, नहीं दोनों चीज़ जो है वहाँ पे चाहिए। अगर कोई बच्चा है 10 साल से नीचे का, अगर गाड़ी में आपके साथ बैठा हुआ है, तो ये दो चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, वेयर इज द सीट बेल्ट फिक्स्ड, यानी कि जो सीट बेल्ट है जब आप लगाते हैं गाड़ी में तो कहाँ पे जो है सेट होता है, कहाँ पे लगाया जाता है। तो देखिए, चेस्ट एंड स्टमक, यानी कि जो है ऊपर जब आप खींचते हैं तो एक तो आपका चेस्ट पे आता है और एक नीचे से आता है, वो आपका होता है स्टमक पे, दूसरा होता है चेस्ट के ऊपर से। तो ये जो है इसका आंसर होगा चेस्ट एंड स्टमक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सऊदी ट्रैफिक रूल्स रिक्वायर बोथ दी ड्राइवर एंड पैसेंजर्स टू यूज दी सीट बेल्ट। तो इनका पूछना है कि जो सऊदी ट्रैफिक रूल्स है वो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सीट बेल्ट को मतलब यूज करना चाहिए। तो यस, इसमें आप लिखेंगे ऑल द रोड्स। सो इसका जो क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे बताया गया है, द ट्रैफिक रेगुलेशन इन द किंगडम ऑब्लिगेट्स बोथ द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स टू यूज द सीट बेल्ट ऑन, मतलब किंगडम ऑफ का जो ट्रैफिक रेगुलेशन है, सो ऑब्लिगेट्स यहाँ पे बताया गया है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को सीट बेल्ट यूज करना चाहिए। कहाँ पे, तो ऑल रोड्स या सम रोड्स या हाईवे ओनली या विद इन अर्बन जोन्स, यानी कि कुछ रोडों पे जो है पॉलिंग ने जहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीट लगाएं, या फिर जो केवल सिटी का एरिया है वहाँ पे अगर गाड़ी चले तो आपको सीट बेल्ट और ड्राइवर को पैसेंजर को लगाना है, कि या केवल हाईवे पे लगाना है या फिर सभी रोड पे लगाना है। तो आपका आंसर होगा ऑल दी रोड, यानी कि सभी रोड पे जो है सीट बेल्ट लगाना है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को। अब देखिए, द सीट बेल्ट हेल्प्स टू, सीट बेल्ट मतलब किस तरह से मदद करता है। सो आंसर रहेगा रिड्यूस पोटेंशियल इंजरीज एंड सेवरेज सेवियर डैमेज इन एक्सीडेंट, मतलब कि अगर बाय चांस अगर कहीं आपका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो है आपकी जो इंजरीज, जो चोटें होती हैं उसको कम करता है, और जो एक्सीडेंट में डैमेज वगैरह होता है उससे भी वो बचाता है, इसलिए सीट बेल्ट यहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है रिड्यूस पोटेंशियल इंजरीज एंड सीवियर डैमेज इन एक्सीडेंट, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट अ प्रेग्नेंट वोमेन नीड्स अ सीट बेल्ट, मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है गाड़ी में बैठी हुई है तो कितना जरूरी है कि उसको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो यहाँ पे है वेरी नेसेसरी, मतलब बहुत ही आवश्यक है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन बैठी हुई है सीट गाड़ी में तो उसको सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। द सीट बेल्ट इज कंपल्सरी फॉर, यानी कि जो सीट बेल्ट है वो कंपल्सरी है किसके लिए, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर, यानी ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी जो है सीट बेल्ट कंपलसरी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ सीट बेल्ट। तो अगर आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं तो कितना पॉइंट्स ऑफ फाइन आपको लगेगा, तो 2 पॉइंट्स आपको ऐड होगा आपके लाइसेंस में और 150 रियाल का फाइन आपको वहां पे देना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पे है क्वेश्चंस और आंसर्स किसके बारे में, ट्रैफिक वायोलेशन पॉइंट सिस्टम के बारे में। अभी यहाँ पे आपका जो है जो पॉइंट्स बता रहा था मैं कितना पॉइंट ऐड होगा उसके बारे में आपको जो है
बताया जा क्वेश्चन आएगा, तो ट्रैफिक वायलेशन पॉइंट सिस्टम। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द सिस्टम ऑफ पॉइंट्स इज अ सिस्टम टू, यानी कि जो पॉइंट सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम है, तो उसका आंसर है लॉग द ड्राइवर्स ट्रैफिक वायोलेशन, मतलब कि आप जो ट्रैफिक को वायोलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो जो पॉइंट ऐड होती है वो एक डिटेल्स होता है कि आपने किस तरह का कौन सा ट्रैफिक कब और कितना फाइन आपने किया हुआ है, तो हिसाब से आपका पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो एक तरह के लॉग होता है, इन्फॉर्मेशन होती है आपके ट्रैफिक वायोलेशन का जो पॉइंट सिस्टम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, द ड्राइवर्स लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड और स्टॉप्ड टेम्परली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड व्हेन हिज पॉइंट रिकॉर्ड रीचेस, यानी कि ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड जो है होगा, या फिर उसको टेम्परली स्टॉप किया जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे, जब उसका पॉइंट जो है इतना पहुंच जाएगा, तो मतलब लेवल पे अगर उसका पॉइंट पहुंच गया तो उसका जो है लाइसेंस स्टॉप सस्पेंड, या फिर उसको स्टॉप टेम्परेरी स्टॉप कर दिया जाएगा, तो 24 पॉइंट्स, यानी कि अगर आपके लाइसेंस में 24 पॉइंट्स इकट्ठा हो चुका है, आपने ट्रैफिक वायोलेशन किया हुआ है, तो आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए जो है आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 24 पॉइंट्स आपको नहीं होने देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, पॉइंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द ड्राइवर्स लॉग आफ्टर, यानी कि जो आपका पॉइंट्स इकट्ठा हुआ है, जो आपने आपको पेनाल्टी हुई है, जो आपने ट्रैफिक वायोलेशन किया है, वो कब डिलीट होगा आपके जो है लॉग्स, यानी आपके लाइसेंस से, तो यहाँ पे देखिए वो है पासिंग अ ईयर विदाउट कमिटिंग ट्रैफिक वायोलेशन, यानी कि अगर आपके पॉइंट्स में इकट्ठा हो गया है, मान लो कि कुछ पॉइंट्स जो है आपने इकट्ठा कर लिया है ट्रैफिक का वायलेट करके, मान लो 10 पॉइंट 15 पॉइंट इकट्ठा हो गया है, तो वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से कब डिलीट होगा, तो जिस दिन आपका पॉइंट इकट्ठा हुआ मतलब लास्ट पॉइंट, उसके 1 साल तक जब आप अगर ट्रैफिक जो है गाड़ी चला रहे हैं विदाउट कमिटिंग ट्रैफिक वायलेशन, यानी बिना किसी ट्रैफिक पेनाल्टी के, बिना किसी ट्रैफिक वायलेशन के, अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते तो ऑटोमेटिक आपके लाइसेंस से वो पॉइंट जो है डिलीट हो जाता है, तो आंसर है पासिंग अ ईयर विदाउट कमिटिंग ट्रैफिक वायोलेशन। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग अंडर एल्कोहल और ड्रग इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एल्कोहल या फिर ड्रग के प्रभाव में, ड्रग लेके या फिर दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, शराब पी गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पे आपको कितना फाइन होगा, तो 24 पॉइंट्स तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ऑलरेडी आपके लाइसेंस में, यानी कि आपको सस्पेंड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और आपको स्टॉप कर दिया टेम्परेरी जो मैंने आपको ऊपर बताया। और देखिए सऊदी रियाल 10,000 फाइन, 10,000 सऊदी रियाल का फाइन होगा अगर आपको एल्कोहल या फिर ड्रग के इन्फ्लुएंस में, के प्रभाव में अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क रहना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्रिफ्टिंग, अगर गाड़ी आप इधर उधर ऐसे घुमा के चला रहे हैं या फिर ऐसे नचा रहे हैं गाड़ी को, तो वहाँ पे कितना पॉइंट्स है, तो देखिए पॉइंट्स है 24 पॉइंट्स, आपको तुरंत आपके लाइसेंस में ऐड कर दिया जाएगा, और 20,000 सऊदी रियाल का फाइन आपको वहाँ पे लगेगा अगर आपको गाड़ी को ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर गाड़ी से शोबाजी दिखा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको 20,000 सऊदी रियाल जो है आपको फाइन लगेगा। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल इन दी अपोजिट डायरेक्शंस, अगर आपका जाने का राइट हैंड साइड में है और अगर आप लेफ्ट में आपको गाड़ी लेके आ रहे हैं, उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहे हैं उसी उसी रोड पे, तो आपको कितना फाइन होगा, आपका 12 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 3,000 सऊदी रियाल फाइन आपको होगा अगर आप उल्टी दिशा में गाड़ी चलाते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर फेलर टू कंप्लाई विद द ट्रैफिक पुलिस डायरेक्शंस, चलिए अगर मान लीजिए जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ने कुछ डायरेक्शन लगा के रखा हुआ है, अगर आप उसको फेल कर जाते हैं, आप उसको नहीं पालन करते हैं, कि आपको ट्रैफिक पुलिस ने बोला है आपको लेफ्ट में जाना है, अगर आपने लेफ्ट नहीं गए, आपने राइट लिया या फिर स्ट्रेट गए, तो वहां पे जो आपको फाइन होगा वो 8 पॉइंट्स का होगा और सऊदी रियाल 500 आपको वहां पे फाइन देना पड़ेगा अगर आप जो है ट्रैफिक पुलिस डायरेक्शन का फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर नॉट स्टॉपिंग अ व्हीकल एट अ स्टॉप साइन,
तो जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रास्ते पे, आपको स्टॉप का साइन है, अगर वहाँ पे आप गाड़ी स्टॉप नहीं करते हैं तो आपको कितना फाइन होगा? तो आपको 6 पॉइंट आपको वहाँ पे फाइन होगा, और 3,000 सऊदी रियाल का वहाँ पे आपको प्लस एक्स्ट्रा फाइन होगा, मतलब 6 पॉइंट ऐड किया जाएगा और 300 3,000 सॉरी 3,000 यानी 3,000 सऊदी रियाल आपको फाइन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर स्टॉपिंग ओवर रेल रोड्स? कितना पॉइंट्स आपको जो है फाइन होगा अगर जो रेल रोड्स है वहां पे आप अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं? तो 6 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 1,000 सऊदी रियाल फाइन होगा। अब देखिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग विद इन लेन्स नॉट इंटेंडेड फॉर ड्राइविंग, यानी कि जैसे कि कभी कभी कोई इमरजेंसी लेन होता है बना होता है, या फिर कोई ऐसा लेन बना हुआ है जहाँ पे ड्राइविंग के लिए नहीं है वो अभी ओपन, या ड्राइविंग के लिए नहीं वो लेन जो है स्टार्ट है और आप उस पर ड्राइविंग करते हैं, तो फिर आपको कितना फाइन होगा? 4 पॉइंट्स लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 100 रियाल का फाइन वहाँ पे होगा अगर आपको उस लेन को यूज करते हैं जो लेन ड्राइविंग के लिए नहीं दिया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ओवरटेकिंग अ स्कूल बस व्हेन दे स्टॉप टू बोर्ड और अनलोड, यानी कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने स्कूल बस आ रही है, अगर उसने इंडिकेटर दिया आपको बताना, मतलब ऐसा साइन दिया कि उसको जो है उस पे बच्चे को चढ़ना है या फिर बच्चे मतलब उस पे से उतरने वाले हैं, उसने साइन दिया आपको और आप उसको ओवरटेक करते हैं, आप गाड़ी स्लो नहीं करते, उसको ओवरटेक करके निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है 4 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 3,000 रियाल यानी कि 3,000 रियाल जो है आपको फाइन लगेगा वहाँ पे अगर इस केस में आप इसको ओवरटेक करते हैं, यानी कि ओवरटेकिंग अ स्कूल बस अगर वहाँ पे बोर्डिंग हो रहा है या फिर अनलोड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको अपने ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर अनकवरिंग अनटाइंग ट्रांसपोर्टेड लोड्स, यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और जो ट्रांसपोर्टेड लोड्स है, जो सामान अपनी गाड़ी में रखे हुए हैं उसको आपने अनकवर करके रखा हुआ है, अनटाइंग मतलब उसको बांध के ठीक से बांधा नहीं है, ठीक से उसको ढक के नहीं रखा हुआ है, तो वहाँ भी आपको फाइन होगा, 500 सऊदी रियाल का और 4 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी गाड़ी में मान लीजिए जैसे होता है कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है, उसको आप चला रहे हैं और वहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर कवर होना चाहिए और अच्छे से उसको बंधा होना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए नुकसान साबित ना करे। अब देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर मेकिंग एन इलीगल अमेंडमेंट टू अ व्हीकल्स बॉडी, यानी अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें कुछ आप चेंजेस कर रहे हैं, एडिशनल चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें लगवा रहे हैं, कुछ गाड़ी का जो है मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है जो इलीगल अमेंडमेंट्स होता है उसके अंडर में जो आता है अगर वो आप करवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो वहाँ पे आपको 300 जो है सऊदी रियाल का फाइन लगेगा और 4 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा, ये फाइन आपको देना पड़ेगा 300 और प्लस 4 पॉइंट्स आपके उसमें ऐड होगा अगर आप अपनी गाड़ी को इलीगली अमेंडमेंट या मॉडिफाई करवाते हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ ही साथ मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 500 रियाल का फाइन लगेगा और 2 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा अगर आप वहां पे आपको पकड़े जाते हैं तो ऐसा करते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर राइडिंग अ मोटर बाइक विदाउट अ हेलमेट, अगर आप बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, तो वहाँ पे कितना पॉइंट्स और फाइन आपको होगा? तो 2 पॉइंट्स आपको फाइन होगा और 1,000 सऊदी रियाल फाइन आपको वहाँ पे और लगेगा, यानी कि 1,000 सऊदी रियाल प्लस 2 पॉइंट्स आपको फाइन होगा अगर आप मोटर बाइक यानी कि बाइक जो आप चलाते हैं बिना हेलमेट के तब। देखिए वो सब हो गया ट्रैफिक फाइन से रिलेटेड। अभी हमारे पास आ गया क्वेश्चंस ट्रैफिक लाइट्स रिलेटेड, यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ध्यान से इसको समझना है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है ताकि अगर इससे रिलेटेड ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप वहाँ पे दे सकें।
सो क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर जंपिंग द रेड ट्रैफिक लाइट, यानी कि अगर गाड़ी चलाते हुए आप जो है सामने ट्रैफिक है, रेड लाइट है, सॉरी रेड लाइट का सिग्नल है, और वहाँ पे गाड़ी आप नहीं रोकते हैं और उसको क्रॉस कर जाते हैं यानी जंप कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3,000 सऊदी रियाल प्लस 12 पॉइंट्स का फाइन होगा, यानी कि 12 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किया जाएगा और 3,000 सऊदी रियाल का फाइन आपको होगा अगर आप रेड लाइट को जंप कर जाते हैं तो। सो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कि इफ़ अ ड्राइवर रन्स दी रेड लाइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि अगर आप जो है रेड लाइट्स को जो है जंप कर जाते हैं तो कितना पॉइंट्स जो है आपके उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो कितना है 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है कि डी पॉइंट्स। तो इसी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इफ़ अ ड्राइवर रन्स द रेड लाइट द फाइन्स फाइन्स टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम हाउ मच फाइन ही हैज़ टू पे, तो यहाँ पे आपको रटना है 3,000 सऊदी रियाल। अगर आप रेड लाइट को सिग्नल क्रॉस करते हैं तो 12 पॉइंट आपको लगेगा और 3,000 सऊदी रियाल का लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल दिखाया गया है, इसमें खाली पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो 12 पॉइंट का आंसर होगा, आपको यहाँ पे डी नंबर सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट ब्रेक लाइट्स, गाड़ी आप चला रहे हैं अगर आपके जो ब्रेक लाइट्स यानी जो जैसे जब आप ब्रेक लगाते हो पीछे लाइट जलती है अगर वो नहीं है और आप गाड़ी को चला रहे हैं तो कितना फाइन्स है, कितना पॉइंट्स है, तो आपके खाते में 8 पॉइंट्स जो है फाइन होगा और 500 सऊदी रियाल जो है आपको वहाँ पे चार्ज होगा, यानी कि उसका पेनाल्टी आपको होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एन आवर बिफोर द सनसेट द ड्राइवर मस्ट डू, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, तो आधे घंटे पहले आपको क्या करना चाहिए जो कि कंपलसरी है, मस्ट है। सो यह है कि टर्न ऑन द व्हीकल्स लाइट, आपको गाड़ी की लाइट को ऑन कर देना है आधे घंटे पहले सूरज के ढलने से। तो आपको अगर ये ऑप्शंस मिलता है कि ये क्वेश्चन आता है हाफ एन आवर बिफोर द सनसेट द ड्राइवर मस्ट डू, तो उन ऑप्शंस में से आपको ये चूज करना है टर्न ऑन द व्हीकल्स लाइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इज इट बेटर टू टर्न लो लाइट्स ऑन एट नाइट, तो बताया पूछा जा रहा है कि अगर रात का समय है टाइम है तो जो लो लाइट्स है उसको ऑन करना सही रहता है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। सो यहाँ का इसका आंसर होगा यस इट इज ऑलवेज मैंडेटरी, यानी कि आप जो आपकी हेडलाइट की गाड़ी है, जो गाड़ी आपका लाइट ऑन करना है तो वो हमेशा आपको लो लाइट ही ऑन करनी है ताकि दूसरे वाले ड्राइवर को जो है मतलब उसकी आंखें चुंधियाए ना, मतलब उसको क्लियरली देख सके, इसलिए आपको लो लाइट ही आपको यूज करना है नाइट टाइम पे। तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है यस इट इज ऑलवेज मैंडेटरी, ये जो है ऑप्शन आपको उन चारों में से चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन दी फ्रंट लाइट्स स्टॉप एट नाइट यू कैन डू दी फॉलोइंग, तो मतलब ये कि जो आपकी फ्रंट लाइट है अगर वो बंद हो जाती है रात में तो आपको क्या करना चाहिए। तो ड्राइव दी व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड, यानी कि आप गाड़ी चला सकते हैं जो है रोड से हटके, थोड़ा सा रोड से हटके अगर आप वहां पे चला रहे तो गाड़ी आपको रोड से थोड़ा सा दूरी पे चलाना पड़ेगा, यानी कि ड्राइव दी व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड। तो अगर आपकी फ्रंट लाइट खराब हो जाएगी तो आप ऐसे गाड़ी तो चलाना ही चला ही नहीं सकते रात में क्योंकि अंधेरा रहेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइव द व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड, आपको रोड से हटके गाड़ी चलाना है, रोड पे गाड़ी आपको नहीं चलाना है अगर आपकी लाइट जो है फ्रंट लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अदर ड्राइवर्स, टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अदर ड्राइवर्स विद योर व्हीकल लाइट्स यू शुड, यानी कि जो अदर ड्राइवर्स हैं उनको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए मतलब अवॉइड करने के लिए आपकी लाइट से अगर उनको डिस्टर्ब ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, यूज लो लाइट्स, यानी कि आपको लो लाइट्स का लो बीम जो होती है इसको बोलते हैं लो बीम लाइट, वो आपको यूज करना चाहिए नाइट में।
अब क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हेन यू सी अ व्हीकल टर्निंग ऑन द टर्निंग लाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू यू शुड, यानी कि जब आप देखते हैं कि कोई व्हीकल टर्निंग लाइट्स जो है आपके सामने, अगर कोई टर्निंग लाइट दे रहा है तो आपको क्या करना है, सो रिड्यूस ड्राइविंग स्पीड, यानी कि अगर आपको लगता है कि वो जो सामने वाला टर्निंग लाइट ऑन किया उसने, उसको मुड़ना है दाएं या बाएं, तो आपको अपनी स्पीड को कम करना है, यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड, यानी रिड्यूस ड्राइविंग स्पीड, आपको अपनी स्पीड कम करनी है, तो ये आपको आंसर चूज करना है उन सब ऑप्शन में से, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन आंसर आ रहा है ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ उसके बारे में बताया गया है, तो आपको इसको भी ध्यान से देखना है। सो क्वेश्चन है कि व्हेन यू सी इमरजेंसी व्हीकल्स ऑन द हाईवे यू शुड, यानी कि अगर आप हाईवे पे इमरजेंसी व्हीकल्स को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गिव इट द वे, यानी कि आपको उनको रास्ता देना है, अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल जा रही है हाईवे पे तो उसको आपको रास्ता दीजिए ताकि वो जल्दी से निकल जाए, तो वहां पे आपको गिव इट द वे का ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग फॉर एक्सीडेंट इंजर्ड यू कैन डू दी फॉलोइंग्स, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट से इंजर्ड हुआ है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है बाहर से तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए कि प्रेस द प्लेस ऑफ ब्लीडिंग हार्ड, तो जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को जो है आपको दबा के रखना है ताकि ब्लीडिंग ना हो, ये चीज आपको जो है करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउडिंग अराउंड एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स माइट बी, यानी कि जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे आपने भीड़ लगा लिया उसको देखने के लिए, तो वहां पे क्या हो सकता है, तो एन ऑब्स्टिकल टू एड एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड कॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसकी मतलब सहायता के लिए वहां पे आप ऑब्स्टिकल बन सकते हैं, मतलब उनको एक तरह से उनको रेस्क्यू जो कर रही है टीम या फिर जो सहायता मदद के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप एक ऑब्स्टिकल रहेगा अगर आप क्राउड लगाएंगे तो, और कॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, और ट्रैफिक एक्सीडेंट को भी वहां पे एक मतलब हो सकता है कि अगर आप वहां पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे भीड़ लगा के आप रखते हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द एक्सीडेंट साइट यू शुड, यानी कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है और आप पहले आदमी हैं वहां पे पहुंचने वाले उस साइट पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको, स्टॉप योर व्हीकल आउटसाइड द रोड आफ्टर पासिंग द एक्सीडेंट साइट, यानी कि अगर आप जो है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है उसको आप पास कर जाते हैं तो आपको गाड़ी जो है आउटसाइड द रोड, रोड से थोड़ा सा हटके जो है आपको अपनी गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि जो जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया उसके रिलेटेड में, तो यहाँ पे बताया कि वेयर When there is an accident or an emergency on the road, how will you act? So ऐसे questions आपको मिलेंगे, sorry options मिलेंगे आपको A, B, C, D. तो पहला है provide assistance if I can, use another road to allow the emergency and rescue teams to reach the site and rescue the injured, stop the vehicle near the place of an accident, the above mentioned in parts A and B. हाँ तो आप ये कर सकते हैं प्रोवाइड असिस्टेंस इफ आई कैन और यूज अनदर रोड टू अलाउ द इमरजेंसी एंड रेस्क्यू टीम्स टू रीच द साइट एंड रेस्क्यू द इंजर्ड, मतलब कि ये आपको जो है बी यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है ओके और ए भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो आंसर हो सकता है द अबव मेंशन्ड इन पार्स ए प्लस बी, आप इसको चूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनाल्टी ऑफ दोज हु कॉज और शेयर द कॉज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज, यानी कि जिसकी वजह से जो है अगर कोई आपकी वजह से, इससे मान लीजिए कोई है जो ड्रग सॉरी
सॉरी गाइस, सो क्वेश्चन है द पेनाल्टी ऑफ दोज हु कॉज और शेयर टू कॉज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज, अगर आपके वजह से अगर आप ड्रग लिए हुए हैं, अगर आप ड्रग के इन्फ्लुएंस में हैं और आपकी वजह से जो है एक्सीडेंट होता है, या फिर उसमें आपका कुछ शेयर्स है, मतलब आपके कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, फिर आपके वजह से हो एक्सीडेंट हुआ और आपका थोड़ा भी उसमें हाथ है उस एक्सीडेंट में, तो क्या होगा आपका पेनाल्टी? सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस एंड अप्लाइंग द लीगल रूल्स, आपका लाइसेंस जो है सस्पेंस कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ जो है लीगल रूल्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू डू व्हेन यू सी इंजर्ड पर्सन्स इन अ कार, अगर आप किसी को गाड़ी में मतलब किसी को चोट लगी है कार में आप देखते हैं तो आपको क्या करना है? ऐसा नहीं कि अगर आप देख रहे हैं कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी कार में इंजर्ड है तो आप क्या करेंगे, आप उसको तुरंत निकालेंगे नहीं, तो बताया रहा है डू नॉट रिमूव देम अनलेस द कार इज बर्निंग, यानी कि आपको टच नहीं करना क्योंकि ये पुलिस केस होता है, तो उस केस में जब तक गाड़ी में आग ना लग जाए मतलब लगने वाली है तब तक आप उनको निकालना नहीं है, तो डू नॉट रिमूव देम अनलेस द कार इज बर्निंग, मतलब कि जब तक गाड़ी में आग नहीं लगने का खतरा है तब तक उनको आपको निकालना नहीं है, उसी में रहने, जब पुलिस आएगी अपना काम करेगी तभी वो आगे की कार्रवाई होगी, आपको उनको निकालना नहीं है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द रनिंग ओवर एक्सीडेंट्स अफेक्टिंग पेडेस्ट्रियंस ऑकर्स एट सनसेट और ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज ऑफ, मतलब कि नाइट में जो है या सनसेट यानी शाम के टाइम पे या फिर नाइट में जो पेडेस्ट्रियन होते हैं जो एक्सीडेंट होती है पेडेस्ट्रियन के लिए, उसका सबसे मेन कारण क्या है? लो विजिबिलिटी, तो आपको चूज करना है कि लो विजिबिलिटी, जो लो विजिबिलिटी यानी जहां पे कम दिखता है ना उसकी वजह से जो है वहां पे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं रात में और शाम के टाइम पे। तो देखिए उसका एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसा कि जो कि पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द रनिंग ओवर एक्सीडेंट अफेक्टिंग पेडेस्ट्रियंस ऑकर्स एट सनसेट और ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज ऑफ, तो ऑप्शन चार ऑप्शन दिया गया है, एक्सेसिव स्पीड्स, क्राउडेड पेडेस्ट्रियंस इन द स्ट्रीट्स, पुअर विजिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आपको चूज करना है सी पुअर विजिबिलिटी। अब देखिए सऊदी ट्रैफिक रूल्स रिक्वायर एवरी ड्राइवर्स टू हैव, यानी सऊदी ट्रैफिक रूल्स जो है उसका जो रिक्वायरमेंट है कि सभी ड्राइवर के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उसका आंसर है अ थर्ड पार्टी और कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है होना चाहिए सऊदी ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, ये सभी ड्राइवर के पास होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस है इंश्योरेंस प्लेज अ रोल इन, जो इंश्योरेंस होता है उसका क्या रोल होता है? सेटलिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन एक्सीडेंट पार्टीज बाई प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल गारंटी टू पे फॉर डैमेजेस, यानी कि जो इंश्योरेंस का रोल होता है जो डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल गारंटी होती है, जो फाइनेंशियल मतलब एड होता है पे करने के लिए, वहाँ पे जो है वो सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए जो है थर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस अब बहुत जरूरी होता है ड्राइवर्स के लिए। आप देखिए यहाँ पे टायर से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर बताए गए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। सो देयर आर थ्री कैटेगरीज ए बी एंड सी फॉर टायर्स, द मोस्ट अप्रोप्राइट कैटेगरी इज, यानी कि तीन तरह की टायर की कैटेगरी होती है ए बी एंड सी, सो सबसे मोस्ट अप्रोप्राइट कैटेगरी है, यानी कि सबसे मोस्ट अच्छी जो है सुटेबल कैटेगरी कौन सी है, वो है ए, उसके बाद है बी, यानी कि पहला सबसे टॉप में ए रहेगा, उसके बाद जो कैटेगरी होगी टायर की वो बी होगी। अब देखिए अमंग द इशू यू कन्फर्म व्हेन रिप्लेसिंग टायर्स आर द प्रोडक्शन डेट एंड इट हैज अ सिंबल, सो मतलब जब आप टायर को रिप्लेस करते हैं तो वहां पे आप क्या देखते हैं, जो इश्यू डेट है
ओके, यानी कि प्रोडक्शन डेट है और उसके पास जो है सिंबल होना चाहिए, इट हैज अ सिंबल, जो सिंबल होना चाहिए वो क्या है, 3 डिजिट। सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना है 3 डिजिट्स। व्हेन अ टायर एक्सप्लोड्स इट इज प्रीफरेबल टू, यानी कि अगर कोई टायर फटता है तो क्या है सबसे अच्छा उपाय, तो इट इज प्रीफरेबल टू रिड्यूस द स्पीड ग्रेजुअली एंड कंट्रोल द स्टीयरिंग व्हील अंटिल द व्हीकल स्टॉप्स, यानी गाड़ी चलाते हुए अगर टायर एक्सप्लोड करता है यानी फटता है तो सबसे जो प्रीफरेबल काम आपको करना है होना चाहिए वो है अपनी स्पीड को कम धीरे धीरे कम करना है और स्टेयरिंग जो है व्हील का वो आपको कंट्रोल में रखना है जब तक कि गाड़ी बंद नहीं होती, जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती है तब तक जो है ये आपको धीरे धीरे स्पीड को कम करके स्टेयरिंग को कंट्रोल करते रहना है टायर फटने के केस में। अब देखिए यूजिंग ब्रेक्स इन बेंड्स मे कॉज, यानी कि कहीं घुमावदार रास्ता है वहां पे अगर आप ब्रेक जो है यूज कर रहे हैं तो क्या है उसका आंसर, वहां पे क्या हो सकता है परिणाम, द व्हीकल टू स्लाइड और टर्न ओवर। ओके, यानी कि बेंड्स है, झुकाव है, यानी यूजिंग ब्रेक्स इन बेंड्स मे कॉज, यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, झुकाव है ऐसे नीचे की तरफ और वहां पे आप ब्रेक लेते हैं तो वहां पे जो मतलब आपको कॉज करेगा, मतलब जो आपको हार्म करेगा वो क्या है, द व्हीकल टू स्लाइड और टर्न ओवर, यानी व्हीकल स्लाइड कर सकती है आप ब्रेक मारते हैं, फिर व्हीकल जो है टर्न ओवर हो, यानी कि उल्टी हो सकती है अगर आप झुकाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और वहां पे ब्रेक मारते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे है सेफ ड्राइविंग के बारे में क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बताया गया है, उसका आंसर दिया गया है द सेफ्टी ट्राइंगल इज, तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है रोड पे रखा हुआ है सेफ्टी ट्राइंगल, तो एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, उसका मतलब है एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट सेफ्टी ट्राइंगल। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ यू हैड टू स्टॉप योर व्हीकल ऑन अ साइड ऑफ वन वे रोड फॉर एन इमरजेंसी यू शुड प्लेस द सेफ्टी ट्राइंगल विद अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि अगर आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जाए एक वन वे साइड, यानी कि ऑन अ साइड ऑफ वन वे रोड, एक वन वे रोड है वहां पे अगर आपको अपनी गाड़ी स्टॉप करनी पड़े किसी इमरजेंसी में तो आपका जो सेफ्टी ट्रायंगल है वो कितनी डिस्टेंस पे आपको रखना चाहिए रोड पे, सो 100 मीटर्स, यानी 100 मीटर्स जो है आपको अपना सेफ्टी ट्रायंगल रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये वन वे रोड है, आपकी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई, तो ये जो ट्रायंगल है आपको यहाँ पे इससे जो दूरी होगी वो 100, यानी 100 मीटर की दूरी पे जो है आपको ट्रायंगल रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, द फायर एक्सटिंग्विशर इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन ऑल व्हीकल्स, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आएगा यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रिक्वायरमेंट उसका होता है सभी गाड़ियों में, यानी कि सभी गाड़ियों में जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग लगने बुझाने वाला यंत्र होता है वो सभी गाड़ियों में जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑल व्हीकल्स जो है आपको सिलेक्ट करना है। अब है हु इज डिफेंसिव ड्राइवर, मतलब कि डिफेंसिव ड्राइवर कौन है, सो इसका आंसर है द ड्राइवर हु हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवार्ड्स ड्राइविंग, मतलब कि जो ड्राइवर है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है अपनी ड्राइविंग के लिए वो एक डिफेंसिव ड्राइवर है, मतलब कि बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको दिख सकता है जब आप वहां पे टेस्ट देंगे, द डिफेंसिव ड्राइवर इज द वन हु, मतलब कि डिफेंसिव ड्राइवर कौन है, जो इज अ प्रोफेशनल ड्राइवर, जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर वो है, या फिर ऑप्शन नंबर टू पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल रैलीज, जो इंटरनेशनल रैलीज में मतलब भाग लेता है पार्टिसिपेट करता है वो है, या फिर तीसरा ऑप्शन है ड्राइव्स द व्हीकल एट स्लो स्पीड, यानी कि जो गाड़ी को स्लो स्पीड पे चलाता है वो है, फिर या फिर चौथा ऑप्शन है ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्राइविंग, तो डिफेंसिव ड्राइवर कौन है जो ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि जो हमेशा एक
सकारात्मक एटीट्यूड रखता है अपनी ड्राइविंग के लिए कि हाँ मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो नियम और कायदे कानून को देख के जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ड्राइविंग कर रहा है, वही जो है एक डिफेंसिव ड्राइवर है। सो इसका आंसर आपको ही देना है कि द ड्राइवर हु हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्राइविंग इज अ डिफेंसिव ड्राइवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, पार्किंग इन प्लेसेस स्पेसिफाइड फॉर हैंडीकैप्ड पीपल इज, यानी कि अगर कोई पार्किंग है जहां पे केवल हैंडीकैप्ड होते हैं यानी कि जो स्पेशल नीड्स पीपल होते हैं उनके लिए पार्किंग है और वहां पे अपनी आप गाड़ी पार्क करते हैं तो वो है फॉरबिडन, मतलब कि आप वहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको फाइन लगेगा, आपको जो है पेनाल्टी होगी। तो पार्किंग प्लेसेस स्पेसिफाइड फॉर हैंडीकैप्ड पीपल इज फॉरबिडन, आपको वहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, द मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स विच अकर्स एडजेसेंट टू स्कूल्स आर, सो जो मेजोरिटी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं वो जो स्कूल से सटे हुए रनिंग ओवर रोड होते हैं वहां पे होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा रनिंग ओवर। द मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स विच अकर्स एडजेसेंट टू स्कूल्स आर रनिंग ओवर, यानी कि जो स्कूल से सटे हुए रोड होते हैं वहां पे जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रनिंग ओवर का। तो इस एक सिंपल क्वेश्चन भी दिया गया, द मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स विच अकर्स एडजेसेंट टू स्कूल्स आर कोलाइजन बिटवीन व्हीकल्स, यानी कि दो गाड़ियों का टकराना, रनिंग ओवर, टर्निंग ओवर, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा बी होगा रनिंग ओवर। रनिंग ओवर का जो है मेन कारण होता है जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होते हैं जो स्कूल से एडजेसेंट रोड होते हैं वहां पे, तो इसलिए वो बोल जाता है कि स्कूल है तो गाड़ी आप धीरे चलाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ड्राइवर सीज अ स्टॉपिंग स्कूल बस फॉर चिल्ड्रन गेटिंग ऑन और ऑफ ही शुड स्टॉप अंटिल द बस गोज, इसका आंसर होगा स्टॉप अंटिल द बस गोज। व्हेन द ड्राइवर सीज अ स्टॉपिंग स्कूल बस फॉर चिल्ड्रन गेटिंग ऑन और ऑफ, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई स्कूल का बस है वो उसको मतलब रोक के बच्चों को उतार रहा है या फिर चढ़ा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी गाड़ी वहां पे स्टॉप कर देनी है अंटिल द बस गोज, यानी कि जब तक वो बच्चों को इन और आउट करके जो है ले नहीं जाता तब तक आपको अपनी गाड़ी वहां पे रोक के रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्लाइंड पीपल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रोड्स, अगर कोई ब्लाइंड पीपल है रोड पे जा रहा है तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है रोड पे। सो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा होल्डिंग अ वाइट स्टिक्स इन हिज हैंड, अगर उसकी हाथ में वाइट स्टिक यानी सफेद छड़ी है तो आप उसको जो है पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है ये ब्लाइंड पर्सन है, तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि अगर उसके हाथ में वाइट स्टिक्स है, अगर उसने व्हाइट स्टिक पकड़ा हुआ है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हेन क्रॉसिंग अ वर्क एरिया यू शुड, अगर आप किसी वर्किंग एरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा रिड्यूस स्पीड एंड बी कॉसस, अपनी स्पीड को कम करना है, आपको थोड़ा सावधानी से गाड़ी वहां पे चलाना है जहां पे वर्किंग एरिया है। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन क्रॉसिंग अ वर्क जोन यू शुड डू द फॉलोइंग, इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाएगा कंप्यूटर टेस्ट में। व्हेन क्रॉसिंग अ वर्क जोन यानी कि जब आप किसी वर्क जोन को आप क्रॉस कर रहे हैं चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए, यू शुड द फॉलोइंग, आपको इनमें से क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है स्लो डाउन एंड बी अलर्ट, चेंज योर पथ टू अनदर रोड, स्टॉप ड्राइविंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गाड़ी को धीरे करना है और सतर्क रहना है, चेंज योर पथ आपको अपनी अपना डायरेक्शन अपना रास्ता चेंज कर देना है दूसरे रोड की तरफ, या फिर गाड़ी को चलाना बंद कर देना है, या फिर सब ऊपर से सभी सही हैं, तो आपको चूज करना है स्लो डाउन एंड बी अलर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको चूज करना है, यानी इसी क्वेश्चंस को जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, इन द केस ऑफ व्हीकल स्लाइडिंग द ड्राइवर शुड पुश द ब्रेक एज अ फर्स्ट एक्शन, इन द केस ऑफ अ व्हीकल स्लाइडिंग यानी कि अगर आपकी गाड़ी स्लाइड कर रही है यानी फिसल रही है कहीं से ऊपर से, या फिर आप ऊपर से चढ़ रहे हैं बेंड हो रही है, या फिर आप हिल यानी कि इसी एरिया आप हिल एरिया पर चढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी स्लाइड कर रही है पीछे की तरफ जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, तो आपको क्या करना, ब्रेक जो है आपको दबाना है। सो यहाँ पे आपका एक्शन होगा रॉन्ग, यानी कि गाड़ी को जो है
का ब्रेक आपको पुश नहीं करना है। क्योंकि अगर ब्रेक आप दबा देंगे, अगर आपकी गाड़ी स्लाइड कर रही है तो फिर आपकी गाड़ी और स्लाइड होने लगेगी, इसलिए जो है आपको पहला एक्शन जो आपका होगा वो ब्रेक का नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर व्हीकल इज इक्विप्ड विद एन एबीएस सिस्टम, ओके अगर आपका जो गाड़ी है वो एबीएस सिस्टम उसमें लगा हुआ है एंड यू हैड टू यूज द ब्रेक, अगर आपको अपना ब्रेक यूज करना पड़े, शुड यू पुश पावरफुली एंड कंटिन्यूसली टू रिड्यूस द स्पीड, तो अगर आपको मतलब काफी पावरफुली से जो है ब्रेक को मारना है और लगातार उसको दबा के रखना है ब्रेक को, ऑलवेज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा यस ऑलवेज करेक्ट। अगर आपके सिस्टम में एवीएस सिस्टम लगा हुआ है, एवीएस डिवाइस लगी हुई है और आपको ब्रेक लगातार मारना पड़े अचानक, यू हैड टू यूज द ब्रेक ना, शुड यू पुश पावरफुली एंड कंटिन्यूसली टू रिड्यूस द स्पीड, यस, तो आप ऑलवेज करेक्ट, यानी कि यही आपको करना है अगर आपकी गाड़ी में एवीएस सिस्टम लगा हुआ तो। इज देयर नो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड कॉमर्शियल स्पेयर पार्ट्स, मतलब कि जो ओरिजिनल और कॉमर्शियल स्पेयर पार्ट्स होते हैं क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसका आंसर है रॉन्ग, बिल्कुल होता है, डिफरेंस होता है। तो आपको सिलेक्ट करना है, अगर बोले कि कोई ओरिजिनल और कॉमर्शियल स्पेयर पार्ट में डिफरेंस नहीं होता है तो आपको लिखना है कि गलत, वो होता है डिफरेंस। सो व्हेन यू सी कैमल्स क्रॉसिंग द रोड यू शुड, अगर आपको लगता है आपको देखते हैं कि रोड से कोई कैमल यानी ऊंट क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सॉरी आपका आंसर होगा स्लो डाउन योर व्हीकल स्पीड एंड वेट टिल द कैमल्स क्रॉस द होल सेक्शन ऑफ द रोड्स, यानी कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है और वेट करना है जब तक कि ऊंट जो है यानी कैमल्स जो है पूरे रोड को क्रॉस नहीं कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हेन यू सी कैमल्स क्रॉसिंग द रोड यू शुड, ओके तो आपका ऑप्शन रहेगा स्लो डाउन योर व्हीकल स्पीड एंड वेट टिल द कैमल्स क्रॉस द होल सेक्शन ऑफ द रोड्स, यानी कि आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने आंसर के लिए। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दे रहा है, स्लो डाउन योर स्पीड एंड नो नीड टू वेट, यानी अपनी गाड़ी को खाली स्लो कर लेना है, वेट नहीं करना है, यूज दी हॉर्न कंटिन्यूसली, आपको हॉर्न लगातार बजाना है, इंक्रीज योर स्पीड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रॉसिंग द रोड, यानी आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लेनी है ताकि वो रोड को क्रॉस ना कर पाए, तो ये जो तीनों ऑप्शन गलत हैं, आपको पहला ऑप्शन चूज करना है स्लो डाउन योर व्हीकल स्पीड एंड वेट टिल द कैमल्स क्रॉस द होल सेक्शन ऑफ द रोड्स, ये आपको चूज करना है अगर आपके अगर आपके उसमें टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए, इफ अ मेडिसिन इज टेकन फॉर हेडेक नसल कंजेशन इन्फ्लुएंजा इट विल अफेक्ट, यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं चाहे हेडेक का हो या फिर नसल कंजेशन का हो, इन्फ्लुएंजा का हो, तो ये आपको क्या इफेक्ट करेगा। सो ये इफेक्ट करेगा ड्राइवर फोकस एंड स्किल्स पे, यानी कि आप अगर इस मेडिसिन लेके गाड़ी चलाते हैं तो हो सकता है आपको ये अफेक्ट करेगा आपके स्किल्स के, आपकी गाड़ी के ऊपर और आपका फोकस करने के ऊपर जो है ये इफेक्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट टू डू व्हेन द स्टीयरिंग व्हील्स ब्रेक डाउन, सो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, यानी आपको क्या करना चाहिए व्हेन द स्टीयरिंग व्हील्स ब्रेक डाउन, अगर आपका स्टीयरिंग व्हील्स जो है ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा होल्ड द स्टीयरिंग व्हील्स विथ बोथ हैंड्स हार्ड, तो आपका जो है स्टेयरिंग है आपको दोनों हाथों से जो है बहुत तेजी से उसको पकड़ के रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट डज इट मीन टू कमिट अ ट्रैफिक वायोलेशन, मतलब कि क्या मतलब है इसका, अगर आप कोई ट्रैफिक जो है वायोलेट करते हैं, कोई ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब ये होगा कि पेइंग फाइन एंड एडिंग ब्लैक पॉइंट्स टू द ड्राइवर्स लॉग, अगर आप कोई ट्रैफिक वायोलेशन करते हैं, ट्रैफिक कमिटमेंट करते हैं, तो आपका जो है आपको फाइन पे करना है और जो ब्लैक पॉइंट्स होते हैं आपके ड्राइवर्स के लॉग में यानी कि ड्राइवर्स लाइसेंस में आपको ऐड कर दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन यू फील टायर्ड और स्लीपी व्हाट इट इज एडवाइजेबल टू डू, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको लगता है कि आप थके हुए या फिर आपको नींद आ रही है तो क्या एडवाइजेबल है आपको करने के लिए, तो आपका आंसर होगा स्टॉप ऑन साइड ऑफ द रोड एंड टेक सम स्लीप एंड रेस्ट, तो अगर आप गाड़ी चलाते हुए थके लग रहे हैं या फिर स्लीपी आपको नींद आ रही है तो आपको गाड़ी एक साइड में रोक देना है, थोड़ा सा स्लीप मतलब थोड़ा सा सो लेना है और रेस्ट ले लेना है, तभी आपको गाड़ी चलाना है,
तो यही हो जो एडवाइजेबल, मतलब ये आपको एडवाइस किया था कि आपको ये करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन देखिए ऐसा आ सकता है, व्हेन यू फील फैटिग फैटिग व्हाइल ड्राइविंग यू शुड, यानी अगर आपको थकावट लगी हुई है गाड़ी चलाते हुए तो आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप ड्राइविंग एंड वॉक फॉर अ व्हाइल टू गेट रिफ्रेश्ड, कंटिन्यू ड्राइविंग, पुट ऑन ग्लासेस टू ईज दी आई फैटेज, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका यही होगा कि स्टॉप ड्राइविंग एंड वॉक फॉर अ व्हाइल टू गेट रिफ्रेश्ड, आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सिलेक्ट करना है इसके लिए, ये यहाँ पे आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए सेक्शन नंबर वन कंप्लीट हो चुका है, अभी आपके सामने स्टार्ट हो गया है सेक्शन टू, रिकॉग्नाइजिंग रोड साइंस। दोस्तों वीडियो लंबा काफी हो रहा है, लेकिन एक तरह से ये समझिए कि ये आपका जो है, जैसे आप टेस्ट जाते हैं वहाँ पे स्कूल में कोचिंग या फिर लेक्चर लेते हैं, तो इसी तरह से एक लेक्चर क्लास है। तो आपको यहाँ पे 1 घंटे या 2 घंटे जो भी लग रहा है टाइम आपको देना है, और आई एम श्योर कि अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो फिर आप जरूर पास करेंगे अपना जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जो फिजिकल टेस्ट के बाद। तो चलिए अभी हमारा सेक्शन टू स्टार्ट हो चुका है, रिकॉग्नाइजिंग रोड साइंस जो है, यहाँ पे अभी आपको जो रोड साइन के बारे में बताया जाएगा उसको आपको यहाँ पे देखना है। सो यहाँ पे बताया गया कि अराउंड 40% ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द डल्ला ड्राइविंग स्कूल्स कंप्यूटर टेस्ट फॉर द सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेक्शन टू, द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग वे, यानी कि 40% क्वेश्चंस जो है आपको रोड साइंस और रिकॉग्नाइजिंग इसी सेक्शन से आपको आएगा। तो चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अ सर्कुलर साइन विद अ वाइट कलर बैक ग्राउंड एंड रेड फ्रेम ऑलवेज इंडिकेट्स, यानी कि एक सर्कुलर है गोल्ड साइड में विद अ वाइट कलर बैकग्राउंड, और पीछे वाइट है एंड रेड फ्रेम ऑलवेज इंडिकेट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वार्निंग हो सकता है, वार्निंग साइंस। ओके दिस साइन मीन्स, ये जो है आपको साइनिंग है यहाँ पे क्या है इसका मतलब, जैसे कि आप ये है नो डू नॉट एंटर, उसके बाद है दिस साइन इंडिकेट 70, अगर ऐसे राउंड में बनाओ 70 तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अभी वार्निंग साइंस ऑन रोड है, तो वार्निंग साइंस के बारे में बताया गया है कि जैसे यहाँ पे अगर जो रेड फ्रेम होता है और वाइट बैकग्राउंड होता है और उसके अंदर जो दिया जाता है सब साइंस, वो होता है वार्निंग साइंस। तो देखिए ये रेड फ्रेम है, वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक साइन दिया हुआ है, तो जैसे कि अगर इस तरफ में है तो लेफ्ट बेंड है, और इसी ट्राइंगल में अगर राइट है तो राइट बेंड है, मतलब राइट आपको मुड़ना है, और इसी तरह से देखिए शार्प बेंड टू दी लेफ्ट, यानी कि अगर इस तरह से आपको साइन दिखता है तो मतलब कि शार्प बेंड है, अचानक ही जाके एक मोड़ है, बहुत तेज मोड़ है तो उसका साइन है, और इस तरह से राइट साइड में जो है शार्प बेंड टू द राइट है, और अगर इस तरह से जो आपको साइन मिलता है तो डिप है, यानी कि रोड से जाके नीचे थोड़ा सा गड्ढा है फिर ऊपर ऐसे वो चढ़ान है। अब देखिए अब इस तरह से अगर आपको साइन दिख रहा है तो ये क्या है, डेंजरस बेंड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर इस तरह से बना हुआ है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से जाके राइट में ये डेंजरस बेंड है, इसी तरह से लेफ्ट टू राइट में जो है, राइट टू लेफ्ट में डेंजरस बेंड है अगर इस तरह का साइन मिलता है, और देखिए ये क्या है, रिवर्स बेंड है लेफ्ट एंड राइट, यानी कि इस तरह से अगर आपको साइन मिलता है तो ये रिवर्स बेंड है लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर से जाके लेफ्ट से लेके राइट में जो है आपका रिवर्स बेंड है, इसी तरह से इस तरह साइन है तो रिवर्स बेंड राइट टू लेफ्ट है, और आपको इस तरह साइन मिलता है तो ये क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है।
और इस तरह का साइन अगर आपको मिलता है तो वार्निंग साइन मतलब इस तरह से देखिए डिसेंट है, यानी कि ऊपर से कुछ चीज नीचे जाने वाली है, बेंड है, झुकाव है, इसी तरह से जो है ये चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ाई है, उस तरह साइन यहाँ पे बना हुआ है। और इस तरह का साइन मिलता है देखिए यहाँ पे ऐसे, एक पहले जाके चौड़ा हो गया फिर जाके पतला हो गया, तो रोड नैरोज है, मतलब कि आगे जाके रोड जो है पतली हो चुकी है। सो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर इस तरह का साइन है, एक सीधी लाइन है ऊपर जाके थोड़ा सा ये बेंड हो रहा है लाइन, तो यहाँ है द रोड नैरोज कीप लेफ्ट, यानी कि आपको लेफ्ट में ही रखना है क्योंकि आगे आगे रोड जो है ये पतली हो रही है, तो आपको लेफ्ट में रखना है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, साथ में अगर कोई जानवर का चित्र है तो आपको समझना है कि बी कॉशस ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ इस रोड जगह पे जो है एनिमल्स घूमते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और यहाँ पे देखिए बेंड आपको यहाँ इस तरफ राइट्स में दिखता है, तो यहाँ पे इसका साइन मतलब ये हुआ कि द रोड नैरोज फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से रोड जो है आपकी पतली हो रही है, तो आपको राइट में रहना है। और अगर देखिए इस तरह से जो है आपको मिल रहा है साइन, जैसे देखिए यहाँ पे है फिर नीचे पानी बना हुआ, पर से गाड़ी है, तो रोड लीड्स टू ओके कुए और रिवर बैंक, यानी कि रोड जाके यहाँ पे नदी के सामने जो है आपको यहाँ पे रोड मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे इसका सतर्कता मतलब वार्निंग किया जा रहा है। और अगर इस तरह से रोड है ऊपर नीचे का, तो मतलब ये रफ रोड है। और देखिए इस तरह से है ऊपर जाके ऐसे नीचे है, तो मतलब ये हम्प पे आ गया, आपको थोड़ा सा गाड़ी स्लो करना है। और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है जैसे जहाँ पे एयरपोर्ट बना होता है हवा के लिए, तो क्रॉस विंड के लिए जो है यहाँ पे आपको साइन किया जा रहा है। और अगर देखिए अगर इस तरह से ऐसे घुमाव घुमावदार में से साइन आपको मिलता है, तो इसका मतलब कि स्लिपरी रोड है। और देखिए इस तरह से अगर आपको साइन मिलता है, तो इसका मतलब है लूज ग्रेवल का। और फॉलिंग रॉक्स अगर ऐसा बना हुआ है, तो मतलब कि जैसे आप हिल एरिया पर ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे मिट्टी या फिर कुछ ऐसा गिरते हुए दिखाया गया है, तो मतलब कि वहाँ पे पहाड़ जो है आपके लैंडस्लाइड वगैरह का जो है वहाँ पे खतरा रहता है, तो इस तरह का साइनिंग आपको मिल सकता है। और इस तरह से अगर आपको साइन मिलता है साइकिल चलाते हुए कोई आदमी दिखाया गया हो, तो बाइसाइकिल क्रॉसिंग यानी कि बाइसाइकिल क्रॉसिंग का यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाइसाइकिल क्रॉसिंग है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है। अब देखिए दोस्तों ये जो साइन है माइनर रोड फ्रॉम दी राइट अहेड, यानी कि आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो मेन रोड से आप जा रहे हैं, तो जो ये राइट साइड में ये जो यहाँ पे ज्वाइंट दिखाया गया है, मतलब कि एक छोटा रोड जो है यहाँ पे आके इससे मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है। और अगर इस तरह से आपको साइन मिलता है, तो स्टॉप साइन अहेड मतलब आगे जाके स्टॉप का साइन है, आपको थोड़ा सा गाड़ी स्लो करना है, आगे जाके रुकना है। और इस तरह का साइन है तो गिव वे अहेड, यानी कि आगे जाके आपको रास्ता देना है, अगर इस तरह का साइन आपको दिखता है तो। अगर इस तरह का आपको साइन दिखता है, तो ट्रैफिक रोटरी है, मतलब कि आगे राउंड अबाउट है, आपको इस तरह का अगर साइन दिखता है तो ये समझ जाना है। और अगर ऐसा साइन बना हुआ है ट्राइंगल में अंदर कैमल्स दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो है कैमल्स, इस एरिया में कैमल्स हैं, आपको यहाँ पे सतर्क करना है, बी कॉशस ऑफ कैमल्स। और इस तरह से अगर दिखाया हुआ गाड़ी में थोड़ा सा तिरछा करके, तो यहाँ पे है डेंजरस शोल्डर है, उसके बाद नैरो ब्रिज है, अगर इस तरह से साइन बना हुआ है और नीचे देखिए यहाँ पे पानी दिखाया गया हल्का सा ऐसे अंदर जाके झुका हुआ है इस तरह से, तो मतलब कि यहाँ पे अंदर जाके पतला ब्रिज है। और इस तरह से अगर दिखाया गया, तो आपको वन लेन ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज है बट वन लेन का है, वही आपको दिखाया गया यहाँ पे। और इस तरह से अगर आपको बना हुआ है, तो मतलब कि आगे टनल है, ये टनल का साइन है। और इस तरह से अगर साइन दिया गया, तो मतलब ये जो रोड है ये टू वे रोड है। और इस तरह से अगर है, तो यहाँ पे देखिए आपको रंबल स्ट्रिप जो है आपको मिल जाएगा, जैसे कि रंबल वाला एरिया होता है वहां पे, अगर ऐसा बना हुआ है तो आपको वहां पे समझ जाना है कि ये रंबल स्ट्रिप है। और डिवाइडेड रोड बिगिंस, अगर ऐसा साइन आपको मिलता है, तो मतलब यहाँ पे रोड डिवाइड हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना है। डिवाइडेड रोड एंड्स, अगर यहाँ पे जाके एंड में आपको ऐसे मिलता है, तो मतलब जो डिवाइडेड रोड है वो जाके अंदर में आपका जो है खत्म हो रहा है।
और इस तरह से साइन अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है रोड ज्वाइंट्स विद रोड्स फ्रॉम दी राइट, यानी कि अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं तो देखिए ये रोड जाके इसमें ज्वाइंट हो रहा है राइट साइड से, यहाँ से आप गए और ये जो राइट है इसमें जाके जो ये रोड ज्वाइंट हो रहा है। और इस तरह से अगर आपको मिलता है साइन तो डेंजरस जंक्शन अहेड, यानी कि जो है आगे जंक्शन है, चौराहा है, काफी डेंजरस जो है जंक्शन है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। और इस तरह से साइन मिलता है तो रोड मर्जेस फ्रॉम दी राइट, यानी कि अगर आप इससे जा रहे हैं तो रोड यहाँ पे देखिए राइट में आके एक रोड यहाँ पे मिल रही है। और इस तरह से अगर साइन आपको मिलता है ऊपर नीचे करके एरो बना हुआ, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो मतलब मैक्सिमम हाइट बताया गया है कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है मैक्सिमम इतनी हाइट है। और इस तरह से देखिए कोई फायर स्टेशन का यहाँ पे सूचना ये मतलब बताया जाता है, अगर इस तरह से आपको साइन मिलता है तो मतलब आगे फायर स्टेशन है। और इस तरह से अगर आपको जो क्लेमेशन मार्क है अगर इस तरह से आपको दिखाया गया है तो मतलब आपको अटेंशन की जरूरत है, यहाँ पे अटेंशन आपका जो है बताया जा रहा है कि आपको अटेंशन यहाँ पे देना है। और माइनर रोड फ्रॉम दी लेफ्ट अहेड, यानी कि यहाँ से आप देखिए सीधी रोड है, साथ में बाएं से जाके एक रोड मिल रही है, तो इसका मतलब किया है बाएं से एक रोड आके यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस रोड में। और देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से साइन दिखाया गया है सिग्नल लाइट अंदर बीच में दिखाया गया, तो मतलब कि आगे जो है सिग्नल अहेड सिग्नल है। और इसी लाइट को अगर ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे गिरा के दिखाया गया है तो मतलब कि जो है हॉरिजॉन्टल ट्रैफिक लाइट्स है, आगे जो है हॉरिजॉन्टल ट्रैफिक लाइट्स है, इस तरह की लाइट जो है आगे आपको मिलेगी। इस तरह की लाइट आपको मिलती है कहाँ पे, जहाँ पे जैसे कि जो ऊपर वाली लाइट होती है जो पोल पे लगी होती है, वो ये जो खम्भे की तरह होती है, मतलब जो ऐसे स्टैंड में लगा होता है वो वहाँ पे आपको ये लाइट दिखती है। तो इस तरह लाइट आपको जो है हॉरिजॉन्टल लाइट आपको आगे है, इस तरह का सिग्नल ये बताता है। अगर इस तरह से अगर आपको दिखाया गया है एयरपोर्ट का, मतलब कि आगे एयरपोर्ट है। अगर इस तरह से आपको बताया गया कि बच्चे उसमें दिखाए गए हैं, तो मतलब चिल्ड्रन क्रॉसिंग है, आगे बच्चे को क्रॉस करने का रास्ता है। और देखिए इस तरह से अगर बना हुआ रोड पे कुछ ऐसे दिखाया गया है बिंदी बिंदी टाइप में, तो मतलब कि सैंड है, आगे जो रोड है ना वो सैंड से उस रोड पे सैंड हो सकती है, तो आपको वहां पे सावधान किया जाता है। इसी तरह से अगर इस तरह का साइन आपको मिलता है तो मतलब इलेक्ट्रिकल केबल है, आगे आपको जो है ध्यान देना है। और अगर रोड पे ऐसे वाटर का ऐसा बना हुआ तो वाटर क्रॉसिंग है, यानी कि यहाँ पे जो है वाटर क्रॉसिंग है, आगे वहाँ पे आपको स्लो करना है। और देखिए यहाँ पे रनवे है, अगर इस तरह से एयरपोर्ट दिखाया गया है तो मतलब आगे रनवे है। अगर इस तरह से आपको बताया गया साइन तो मतलब वो स्विंग ब्रिज है, मतलब कि स्विंग ब्रिज जो होता है झूला झूला वाला ब्रिज होता है वो है। अगर इस तरह से आपको साइन मिलता है तो ये बताया गया है रेलवे क्रॉसिंग विद अ गेट, मतलब इस तरह साइन है तो मतलब आगे रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन गेट है साथ में। और ये जो साइन है द एंड ऑफ दी डबल रोड, यानी कि जो दो रोड आके एक हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आगे जो रोड जाके एक हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। और इसका अगर साइन मिलता है तो साइड रोड ऑन द राइट, यानी राइट साइड में एक रोड आके जो है आगे मिल जाएगी अभी। और यहाँ पे देखिए मेन रोड इंटर अच्छा मेन रोड विद इंटरसेक्शन विद द सब रोड, यानी कि जो मेन रोड जा रही है तो आगे जो है यहाँ पे देखिए इस तरफ से जो है एक छोटी रोड आके इसी रोड को क्रॉस कर रही है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया मेन रोड इंटरसेक्शन विद सब रोड। तो इसका साइन है कि आगे आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ पे दो छोटे रोड जो है आपको क्रॉस करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको ऐसा साइन मिलता है स्लाइड रोड ऑन द लेफ्ट, साइड रोड ऑन द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जाके एक रास्ता आगे आपको मिलेगा। अब रेलवे क्रॉसिंग यानी कि गेट, यानी कि अगर आपको ऐसा साइन मिलता है तो आगे रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन बिना गेट का है। और इस तरह का साइन है तो मतलब कर्व से आगे रोड जो है ऐसा है विंडिंग्स। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इंडिकेशन फॉर ट्रेन्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे तीन लाइन है तो 150 मीटर की डिस्टेंस है, और 100 मीटर है तो दो लाइन बनेगा, अगर 50 मीटर तो एक लाइन बनेगा। तो यहाँ पे आपको इसको देख के समझाना है कि आगे जो है 50 मीटर की डिस्टेंस है, ये 100 मीटर या 150 मीटर पे जो है डिस्टेंस इंडिकेशन फॉर ट्रेन्स। और देखिए ये जो है शार्प डेविएशन ऑफ रूट टू दी लेफ्ट, तो यानी कि अगर इस तरह से आपको मिलता है तो आगे जाके सीधा आपको बहुत ही शार्प जो है लेफ्ट में घुमाव आपको मिल जाएगा, आपको यानी कि बाएं मुड़ने के लिए बताया जाता है, शार्प मोड़ होगा आगे।
अब देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी साइन ऑन रोड्स है, यानी कि जो रेगुलेटरी साइन होती हैं उसके बारे में बताया गया है रोड को। तो ये रेगुलेटरी साइन आपको यहाँ पे मिलेगा राउंड में, देखिए राउंड किया हुआ है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, उसके बाद फिर उसमें जो है आपको साइन दिखाया गया है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटरी साइन। तो अगर आपको ऐसा साइन मिलता है जिसमें साइकिल दिखाया गया लेकिन क्रॉस किया गया, तो वहाँ पे साइकिल प्रोहिबिटेड है, साइकिल मना है वहाँ पे चलाने के लिए। और अगर ऐसा आपको बताया गया है उसमें जो है कार को क्रॉस किया गया है, तो मतलब कि वहाँ पे गाड़ी मना है चलाने के लिए, खाली जैसे लिख जाएगा कि मोटरसाइकिल ओनली, यानी कि केवल मोटरसाइकिल के लिए है, वहाँ पे गाड़ी आप नहीं चला सकते, फोर व्हीलर नहीं चला सकते हैं। अगर इस तरह से आपको बना हुआ है राउंड में गाड़ी, तो गुड्स व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब कि ये जो गाड़ी है, गुड्स व्हीकल जो सामान ढोती है गाड़ियाँ, वो उनके लिए मना है। उस तरह से देखिए, अगर इस तरह से अगर बना हुआ है गाड़ी और उस पर साइन खींचा हुआ है, तो ड्रोन ट्रेलर प्रोविजन, जो ट्रेलर वाली गाड़ियां होती हैं, वो उनको मना है, प्रोहिबिटेड है। और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको बताया गया है कि, यानी कि ये जो है 70 का स्पीड, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है। अगर आपको ऐसे राउंड साइन में आपको आदमी दिखाया गया फिर क्रॉस किया गया, मतलब कि यहाँ पे आप पैदल चलना मना है, पैदल नहीं चल सकते हैं, अगर इस तरह का साइन आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल कार्ड्स प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको जो है एनिमल कार्ड्स, जो घोड़ा गाड़ी वगैरह होता है, वो आप लेके नहीं जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मना किया गया है। उसी तरह से देखिए फॉर्म जो है इक्विपमेंट प्रोविडेड, यानी कि अगर इस तरह से बना हुआ है उसमें ट्रैक्टर का साइन है, उसको क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जो खेती बाड़ी में काम आते हैं, उसको यहाँ पे ले जाना मना है। और हैंड कार्ट्स प्रोविडेड, यानी कि जो हाथ से ढकेलने वाली चीजें गाड़ी होती है, उसको अगर यहाँ पे आप ले जा रहे हैं, तो वो आप नहीं ले जा सकते हैं, वो मना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मोटरसाइकिल बना हुआ है उस पर क्रॉस लगाया हुआ है, ऐसे मतलब लाइन खींचा हुआ है, तो मतलब मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप यहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना मना है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम विड्थ बताया गया, यानी कि चौड़ाई कितनी है, अगर इस तरह से आपको यहाँ पे एक एरो मिलता है, यहाँ पे एक एरो मिलता है, तो बताया गया है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है उसकी चौड़ाई, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एंटर करना होता है। अभी देखिए मैक्सिमम हाइट, ऊपर से ऐसा एरो है, नीचे से ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल, और उसमें लिखा हुआ है हाइट, तो ये मतलब कि हाइट के बारे में बताया गया, इस ऊपर से नीचे है तो हाइट है, दाएं से बाएं है तो चौड़ाई के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे अगर गाड़ी भी दिखाया गया है, साथ में बाइक भी दिखाया गया, तो यहाँ पे ये बाइक मोटर कार के लिए जो है, मतलब मोटर व्हीकल्स के लिए बिल्कुल बंद है, यहाँ पे मोटर व्हीकल्स नहीं अलाउ है। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी भी दिखाया गया, मोटरसाइकिल भी दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है कुछ और भी जो होता है एनिमल कार्स वगैरह होता है, वो भी दिखाया गया है, तो मतलब यहाँ पे ऑल व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल्स था, क्योंकि इसमें कार्स नहीं दिखाया गया, तो खाली मोटर व्हीकल्स को बंद किया गया है। यहाँ पे देखिए एनिमल कार्स भी, यानी कि सारे व्हीकल्स को जो यहाँ पे बैन किया गया है, यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी जो है प्रोहिबिटेड किया गया है। अब देखिए अगर ऐसा आपको साइन मिलता है रेड बैकग्राउंड और व्हाइट का ऐसा लाइन है, तो मतलब एंट्री प्रोहिबिटेड, यहाँ पे एंट्री नहीं है, ये नो एंट्री का सेक्शन है, नो एंट्री का साइन है ये। अभी देखिए आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम वेट बताया गया है, अगर ऐसा आपको दिखता है वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा बना हुआ साइन, तो मतलब कि ये मैक्सिमम वेट का है, कितना वेट इस रोड से आप ले जा सकते हैं, या पुल की जगह पे होता है, या फिर रोड अगर कुछ ऐसा है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम वेट के बारे में बताया जाता है। अब देखिए बताया मैक्सिमम वेट ऑन, ये जो मैक्सिमम वेट बताया गया है गाड़ी का, कितना वेट होगा यहाँ पे बताया गया है, और ये मैक्सिमम लेंथ जो है बताया गया, जैसे कि गाड़ी की कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है इस उस एरिया में या उस जगह पे जाने के लिए, उसके बारे में आपको साइन में बताया जाता है, कितनी लेंथ अगर आपकी है तभी आप उस एरिया में जा सकते हैं या फिर वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा साइन मिलता है लेफ्ट साइड में क्रॉस किया, यानी कि नो लेफ्ट टर्न, आपको यहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, अगर ऐसा साइन आपको मिलता है।
अगर ऐसा साइन है तो यानी कि स्टॉप है, आपको रुकना है यहाँ पे, ऐसा साइन अगर आपको दिखता है तो। अब देखिए राइट में ऐसे बना हुआ है, फिर उसको क्रॉस किया हुआ है, यानी कि नो टर्न राइट है, नो आपको राइट टर्न नहीं ले सकते हैं आप, आगे का जो है वो नो राइट टर्न है। अब देखिए ऐसा अगर बना हुआ है घुमावदार, यानी कि यू टर्न का साइन है पर क्रॉस है, तो यहाँ पे आपको कोई यू टर्न नहीं लेना है, यानी कि यू टर्न नॉट अलाउड है। और अगर ऐसा दो कार साइड साइड में दिखाया गया है, तो मतलब कि जो है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं इस रोड पे अगर आपको ऐसा साइन आगे बना हुआ है तो। और ऐसा साइन बना हुआ है जहां पे कार भी दिखाया गया है और ट्रक भी दिखाया गया है, तो उसका मतलब कि ओवरटेकिंग बाई ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे ट्रक जो है ओवरटेक नहीं कर सकता है इस रोड पे अगर ऐसा साइन आपको रोड पे मिलता है तो। और ऐसा साइन अगर आपको दिख रहा है, तो मतलब आपको वहां पे रास्ता देना है दूसरे गाड़ियों के लिए, तब आपको जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसा साइन अगर मिलता है, हॉर्न बना हुआ है, उसके बाद उसको क्रॉस किया हुआ है, मतलब लाइन खींचा हुआ है, तो मतलब आपको यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। और यहाँ पे अगर बस है उसको भी क्रॉस किया, लाइन खींचा हुआ है, तो नो एक्सेस टू बसेस, यानी बसेस के लिए यहाँ पे एक्सेस नहीं है। और अगर ऐसा साइन बना हुआ कस्टम लिखा हुआ, तो आगे मतलब कि कस्टम है। और अगर ऐसा साइन आपको दिखता है, एक रेड कलर में एक ब्लैक कलर में एरो है, दोनों क्रॉस में है, तो प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक, यानी कि आपको प्रायोरिटी देनी है, जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उनको प्रायोरिटी देनी है अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो। और ऐसा साइन अगर आपको दिख जाता है रोड पे आगे कि एंड ऑल प्रोहिबिशन, यानी कि जो जितनी सारी प्रोहिबिशन थी सब वो खत्म हो गई है, तो आपको फ्री है, आप जो है अभी अपने हिसाब से ड्राइविंग कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोविजन मतलब जो बताया गया था, जैसे कि मान लो नो हॉर्न्स, ये सब चीजें जो है आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, मतलब वो सब चीजें अगर ऐसा साइन मिलता है, तो मतलब वो सब चीजें खत्म करेंगे, बट वहां भी आपको जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है जो वहां पे लागू होता है, स्टैंडर्ड ट्रैफिक रूल। मीन्स अगर आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट ऐसे लिख के फिर उसको क्रॉस किया हुआ, मतलब कि एंड स्पीड लिमिट, यानी कि अगर मान लो आप किसी रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे जो 80 की स्पीड लिमिट थी, स्पीड लिमिट है, और आगे आपको ऐसा साइन मिलता है, तो मतलब कि वो 80 की स्पीड लिमिट अभी खत्म हो गई है, आप जो है 80 के ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई स्पीड की लिमिट नहीं है। और ऐसा दो कार में ऐसा लाइन बन के आ रहा है, तो एंड ऑफ ओवरटेकिंग प्रोविटेड, यानी कि आपको ओवरटेक करने का जो प्रोविट किया गया था वो अभी खत्म हो चुका है अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो। यहाँ पे देखिए एंड ऑफ ओवरटेकिंग बाई ट्रक प्रोविटेड, यानी कि जो ट्रक को ओवरटेक करने के लिए मना किया गया था, वो आगे अगर आपको ऐसा मिलता है, तो मतलब कि ये बताया जाता है कि अभी आप जो है ट्रक भी यहाँ पे ओवरटेक कर सकता है। और ऐसा साइन अगर आपको दिखता है, तो मतलब ये ऐसा नो पार्किंग का है, और ये लाइन ऐसे खिंचा हुआ, दोनों लाइन खिंचा हुआ है, तो मतलब नो स्टॉपिंग और पार्किंग, यहाँ पे आप स्टॉप भी नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्किंग भी नहीं कर सकते, और खाली एक ही लाइन है, तो खाली यहाँ पे आपको नो पार्किंग है, मतलब पार्क आपको नहीं करना, बट स्टॉप आप कर सकते हैं कुछ एक देर के लिए। अब अगर आपको ऐसा राउंड में मिलता है, इसमें कुछ नहीं है, तो क्लोज्ड बोथ डायरेक्शंस, मतलब यहाँ पे क्लोज आगे का जो डायरेक्शन है दोनों डायरेक्शन क्लोज किया गया है, नो एक्सेस टू एनिमल्स, अगर ऐसा आपको राउंड में मिलता है, सामने अंदर जो है एनिमल को दिखाया गया है, तो मतलब वहाँ पे नो एक्सेस टू एनिमल, यानी एनिमल्स लेके आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और ऐसा भी साइन आपको मिल सकता है, ट्रक्स की स्कीप राइट, यानी कि ट्रक को जो है राइट में ही रखना है, और ऐसा साइन आपको मिलेगा ट्रक लिमिट्स, यानी कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ट्रक की जो लिमिट है वो इतनी लिमिट है, सो अगर ट्रक ड्राइवर है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कंपलसरी मिनिमम, यानी कि अगर आपको स्पीड है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पीड है 35 का, ये 35 आपका कंपलसरी है, इतना मिनिमम आपको रखना है, इससे कम आप नहीं जा सकते हैं। और एंड कंपलसरी मिनिमम स्पीड, यानी कि अगर आपको ऐसा करके फिर एक क्रॉस कर जाता है, मतलब कि जो आपको कंपलसरी मिनिमम स्पीड का यहाँ पे बताया गया था, वो यहाँ पे खत्म हो गया है। और ऐसा साइन अगर आपको मिल जाता है, तो मतलब किसी रोड पे लगाया गया, तो मतलब वो मैंडेटरी रोड फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए ही वो मैंडेटरी है, उसी रोड पे उनको जाना है।
और आपको अगर ऐसा साइन मिलता है कहीं, तो वहां पे क्या है, पास इधर साइड का ये मतलब होता है गो टू द लेफ्ट। अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो उसका मतलब है कि आपको लेफ्ट में जाना है। अगर इस तरह का साइन दिखाया गया है तो वहां पे आपको राइट में जाना है। अगर इस तरह का साइन है तो ऑल रेफ्ट जंक्शंस गो स्ट्रेट ऑन, यानी कि अगर आपको ऐसा साइन मिलता है आगे रोड पे तो आपको सीधा ही जाना है, आपको लेफ्ट राइट वगैरह नहीं लेना है। और ऐसा अगर बना हुआ साइन जिसमें एनिमल्स को दिखाया गया है तो मतलब कि वो मैंडेटरी रोड फॉर एनिमल्स, आपको जो है वो मतलब वो रोड केवल एनिमल्स के लिए ही मैंडेटरी है, उस पर और कोई दूसरा नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए ये साइन अगर आपको मिलता है एट ए नेक्स्ट जंक्शन यू टर्न मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पे अगर आपको साइन ये दिखाया गया है तो आगे इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी साइन है, क्योंकि ये देखिए रेड में नहीं है, ये सब ब्लू में है, ब्लू में है तो मतलब भाई मैंडेटरी साइन है, तो आप आगे जाके आपको जो है यू टर्न लेना ही लेना है। अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एट नेक्स्ट जंक्शंस गो स्ट्रेट ऑन और यू टर्न, यानी कि ऐसा साइन है तो आपको सीधा ही जाना है, या तो फिर आप यू टर्न ले सकते हैं और कोई दूसरा वहां पे आप नहीं ले सकते हैं, आपको सीधा ही जाना है या तो फिर खाली यू टर्न ही लेना है, तो इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जाके ये एक लेफ्ट में है एक राइट में है मुड़ा हुआ, तो एट नेक्स्ट जंक्शंस गो टू राइट और टू द लेफ्ट, यानी कि नेक्स्ट जंक्शन अगर कोई जंक्शन है वहां पे ऐसा साइन बना हुआ उससे पहले तो आपको केवल राइट में ही जाना है या तो लेफ्ट में जाना, आप स्ट्रेट नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कि एट नेक्स्ट जंक्शंस गो टू द लेफ्ट, यानी कि जो नेक्स्ट जंक्शन है वहां से आपको फिर लेफ्ट में जाना है, ना आपको स्ट्रेट जाना है ना आपको राइट जाना है, तो अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो इसका मतलब कि वहां पे आपको लेफ्ट में ही जाना है। ओके, अगर आपको ऐसा साइन दिखता है रोड पे तो मतलब कि आपको जो है इस साइड में आपको जाना है, पास दिस साइड, यानी कि इस जो साइड है इस तरफ जैसे आप जा रहे हैं इस तरफ का साइन है, तो आपको इसी साइड में जो है आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पे टर्न राइट मैंडेटरी, यानी कि अगर ऐसा साइन मिलता है तो आपको राइट में ही जाना है, अगर आपको ऐसा साइन मिलता है ब्लू कलर में वो मैंडेटरी है। और देखिए अगर इस तरह से है तो एट नेक्स्ट जंक्शन गो स्ट्रेट ऑन और गो टू द लेफ्ट, यानी कि स्ट्रेट में जाना है तो फिर लेफ्ट में ही जाना है आपको अगर ऐसा साइन मिलता है। तो पहले क्या था, एक स्ट्रेट था एक यू टर्न था, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट जाना है या तो फिर लेफ्ट में मुड़ना है, आपको यू टर्न नहीं लेना है ना राइट में जाना है। उसके बाद देखिए एट नेक्स्ट जंक्शंस गो स्ट्रेट ऑन और टू दी राइट, यानी कि अगर ऐसा साइन है तो आपको स्ट्रेट जाना है तो फिर राइट में ही जाना है आपको, बाकी जो है यहाँ पे आप ना यू टर्न ले सकते हैं ना आप लेफ्ट में जा सकते हैं। अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो राउंड अबाउट मैंडेटरी, तो आगे जो है राउंड अबाउट है ऐसा यहाँ पे आपको बताया जाता है पहले। और अगर इस तरह का एरो है तो पास दिस साइड, मतलब पास आपको दिस साइड में देना है। और मैंडेटरी रोड फॉर बाइसिकल, यानी कि अगर ऐसा साइन बन के आता है ब्लू कलर में साइकिल दिखाया गया है तो वो मतलब जो रोड है वो मैंडेटरी है, केवल साइकिल के लिए ही मैंडेटरी है, यानी कि साइकिल वालों को उसी रोड पे ही जाना है। और ऐसा अगर बना हुआ साइन तो वहां पे क्या है, मैंडेटरी रोड फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उनके लिए ही वो मैंडेटरी है, उस रोड पे उनको जाना है। मैंडेटरी फॉर रोड फॉर एनिमल्स, अगर ऐसा दिखाया गया है साइन में तो मतलब वो रोड जो है एनिमल्स के लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पे जो है देखिए बताया गया है अगर ऐसा स्पीड लिमिट आता है इसमें ब्लू कलर में तो मिनिमम स्पीड मैंडेटरी, यानी कि इतना मिनिमम आपको स्पीड रखना ही रखना है, आपको इससे कम स्पीड में नहीं जाना है। अब देखिए गाइड साइन, अब यहाँ पे कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कि गाइड किए जाते हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है कि ये जो है आगे गाइड करने वाले साइन होते हैं। तो जैसे ऐसा है कि नो थ्रू रोड, यानी कि अगर ऐसा बन गया तो आगे मतलब रोड बंद है, आगे रोड नहीं है। टर्न ऑन लाइट्स, अगर ऐसा बना हुआ है और लिखा हुआ है टर्न ऑन लाइट्स तो आपको वहां पे लाइट्स को ऑन करना है। अगर आगे एच बना हुआ है तो मतलब कि आगे हॉस्पिटल है, और अगर पी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे पार्किंग है। और
उसके बाद देखिए फर्स्ट एड यहाँ पे जो है सेंटर है, अगर आपको ऐसा सी बनता है और वाइट कलर का जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है तो मतलब कि फर्स्ट एड सेंटर यहाँ पे है, और अगर ऐसा बना हुआ है साथ में एक कार्ड दिखाया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे होटल है, और ऐसा अगर साइन आपको मिलता है जिसमें देखिए फॉक है और ये स्पून है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे देखिए पी और साइड में ऐसा दिया हुआ साइन तो इसका मतलब कि साइड में पार्किंग है, आगे जाके साइड में पार्किंग आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि रोड फॉर मोटर व्हीकल, यानी कि अगर ऐसा है तो रोड फॉर ये जो रोड है केवल मोटर व्हीकल के लिए है, उस पर आप पैदल नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर अगर आपको ऐसा साइन मिलता है जहाँ पे कप वगैरह दिखाया गया है ब्लू कलर में व्हाइट बैकग्राउंड पे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे रिफ्रेशमेंट जो है कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा साइन मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस स्टेशन है यहाँ पे, और अगर आपको ऐसा साइन मिलता है देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है इस तरह से तो इसका मतलब कि मैकेनिकल स्टेशन यहाँ पे है, अपनी गाड़ी का कुछ काम वगैरह भी करा सकते हैं यहाँ पे। और देखिए अगर ऐसा साइन आपको दिखता है तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि एंड ऑफ इंटरनेशनल हाईवे, यानी कि जो इंटरनेशनल हाईवे आप चल रहे थे वो जो है यहाँ पे अभी आप खत्म हो गया है, और इस तरह का साइन मतलब वन वे का साइन है, यहाँ पे आप केवल गाड़ी को ले जा सकते हैं उधर से आ नहीं सकती, ये वन वे होता है। और इस तरह से साइन अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो है यहाँ पे टेलीफोन है या फिर आगे टेलीफोन है। और यहाँ पे देखिए पिकनिक साइट है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे जो है आपको पिकनिक साइट मिलेगा, और इस तरह से अगर आपको साइन मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि कैंपिंग साइड है, यहाँ पे आप जब कैंप वगैरह भी कर सकते हैं, और ये अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंटरनेशनल हाईवे है, यहाँ पे देखिए क्रॉस कर दिया मतलब एंड हो गया, यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल हाईवे पे आप चल रहे हैं अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो। अब देखिए अगर ऐसा साइन है तो मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी ओवर इनकमिंग व्हीकल्स, यानी कि जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं ना उनको प्रायोरिटी आपको देनी है अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो। और इस तरह के साइन में देखिए आपको क्या है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये है इसका साइन मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। देखिए अगर आपको ऐसा साइन मिलता है तो मतलब कि यहाँ पे आपको मास्क मिलेगा, मस्जिद होती है ना वो आपको मिलेगी यहाँ पे, और अगर ऐसा साइन आपको दिखता है तो मतलब कि आगे जो है यानी कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, और अगर ऐसा साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे काम वगैरह होता है, फैक्ट्री वगैरह होती है, वो इंडस्ट्रियल एरिया आपको यहाँ पे है, इस तरह के साइन में आपको बताया जाता है। अगर इस तरह से साइन आपको दिखता है तो मतलब कि आप जो है सिटी सेंटर में आप हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रायोरिटी रोड है, ये मतलब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, और यहाँ इसका मतलब ये होगा अगर ब्लैक कर दिया गया तो एंड ऑफ प्रायोरिटी रोड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे नो थ्रू रोड, यहाँ पे जो है इस तरह से बनाया गया है तो मतलब कि ये हुआ कि यहाँ पे नो थ्रू रोड, आगे जो है रोड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए रेड कर दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नो थ्रू रोड, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो सीधा इस तरह पे आपको नो थ्रू, आगे रोड नहीं है, यहाँ पे देखिए नो थ्रू रोड यानी कि जो रेड कर दिया गया है इसका मतलब कि नो थ्रू रोड, आगे रोड नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा साइन दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बस स्टॉप है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइटिंग के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब गो है, अगर ग्रीन लाइट जलती है तो आपको जाना है, अगर येलो लाइट यहाँ पे देखिए बी रेडी टू स्टॉप, अगर यहाँ पे आपको येलो लाइट दिखता है तो बी रेडी टू स्टॉप या बी रेडी टू गो, अगर आपको लाइट सिग्नल बंद होने वाला है तो फिर आपको यहाँ पे पहले जो है येलो का मतलब होता है कि आपको रेडी रहना है चाहे स्टॉप होने के लिए चाहे आपको जाने के लिए, अगर रेड का है तो आपको स्टॉप करना है, और अगर ऐसा साइन आपको दिखता है तो रिड्यूस स्पीड का मतलब है। और ऐसा साइन आपको दिखता है तो उसका मतलब कि ये हुआ कि वहाँ पे जो है सिटीज और विलेज के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जैसा ऐसा साइन आपको दिखता है तो
तो साइटिंग इंडिकेटिंग साइन इंडिकेटिंग साइट सिटीज एंड विलेजेस, तो इस तरह से साइन मतलब इस तरह में आपको सिटी है, इस तरह में विलेज है, ऐसा आपको यहाँ पे बताया जाता है। साइनिंग ये है सिटी और विलेज का, और इस तरह से साइन अगर आपको दिखता है तो मतलब आपको वेट करना है। और इस तरह का साइन है नीचे आदमी दिखाया गया है तो मतलब क्रॉस आपको कॉशसली यानी कि आपको क्रॉस करना है थोड़ा सा सतर्कपूर्वक होके, और बी रेडी टू क्रॉस अगर ऐसा साइन है तो आपको जो है क्रॉस करने के लिए रेडी होना है। और ये जो होता है ये डायरेक्शन साइन है। और इस तरह का साइन मतलब कि सिटी एंटर साहब शहर में जो है एंटर करने वाले हैं, इस तरह का साइन जो है वहां पे ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है वर्क जोन साइन और रोड्स, यानी कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे कुछ साइनेस आपको मिलती हैं तो उसको बोलते हैं वर्क जोन साइंस, यानी कि अगर वर्क जोन में क्या क्या साइन लगते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो देखिए जो वर्क जोन साइन होया है जैसे आपको रेड कलर रेड ट्रायंगल में दिखाया जाएगा, बस जो बैकग्राउंड होगा वो येलो में होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ का है, मतलब यहाँ पे नीचे झुकाव वाला जो है काम चल रहा है। रोड नैरोज कीप लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो है रोड आगे जो है नैरो हो रहा है तो आपको लेफ्ट में रखना है। यहाँ पे सिग्नल अहेड आगे जो है सिग्नल है, और यहाँ पे टू वे ट्रैफिक का है। इसी तरह दोस्तों आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो है हर तरह का साइन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस साइन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, बट ये जो रोड है रोड वर्क्स एंड वाला साइन है, और ये डिटोर अहेड 1500 मीटर, इस तरह से जो है केन इसको बोलते हैं। और इसी तरह से आप आएंगे तो आपको नीचे बहुत सारे साइंस वगैरह मिल जाएंगे। सो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हमने जो है मैक्सिमम जो साइंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 1 के क्वेश्चंस हैं सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हैं हमने कवर कर दिए, और आपको साइंस भी बता दिए कि कौन कौन से साइंस का क्या मतलब होता है। इस आज के इस वीडियो में जो है हमने जाना कि कंप्यूटर टेस्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सऊदी अरबिया में इस टेस्ट को पास करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए इसको ऊपर आते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे है रिकमेंडेड, पहले लिंक आपको मिल जाएगा हाउ टू गेट अ सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सऊदी में लाइसेंस लेने का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। यहाँ पे बताया गया कि एज पर द न्यू रूल्स यू कैन अप्लाई एंड गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी अरबिया आफ्टर पासिंग अ मेडिकल एंड ड्राइविंग टेस्ट। हियर इज द प्रोसीजर टू अप्लाई, मतलब कि जो मेडिकल है और ड्राइविंग टेस्ट है वो आपको पास करके ही आपको सऊदी में जो है सऊदी लाइसेंस आपको मिलेगा। सो रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी किसी अदर कंट्री का इशूड लाइसेंस है तो आपको जो इनिशियल टेस्ट होता है वो नहीं देने की जरूरत है, आपको जो फाइनल टेस्ट है वही खाली आपसे जो है लिया जाता है। सो यू नीड टू टेक द ट्रांसलेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस विद यू, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन जो है आपको वहाँ पे चाहिए। सो हाउएवर इफ यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम अनदर कंट्री दे विल गिव यू क्लासेस फॉर 5 to 30 आवर्स। अगर आपके पास जो है किसी और कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे आपको 5 से 30 घंटे का जो है क्लास आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जो है आप लाइसेंस जो है टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करना है लाइसेंस जाके वहाँ पे क्लासेस वगैरह लेने के लिए उसको आप अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइसेंस का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है उसको आप बुक कर सकते हैं।
तो क्राइटेरिया क्या है? तो आपकी मिनिमम एज जो है 17 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो इकामा की कॉपी है वो जो है वहाँ पे आपको लेके जाना है। ओके, वो लगेगा। कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट अलॉन्ग विद द वीज़ा, आपके जो पासपोर्ट की कॉपी है और वीज़ा के साथ में उसकी कॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि पासपोर्ट साइज का जो चार फोटो है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। और ड्यूली फिल्ड फॉर्म टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई का फॉर्म, अप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो आपको भरा होना चाहिए, वो लेके जाना है, वो लगेगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मेडिकल टेस्ट जो है वहाँ पे होता है तो उसके लिए आपको लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और द पेमेंट फी, द पेमेंट ऑफ द फीस फॉर दिस ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका जो पेमेंट फीस है वो आपको जो है वहाँ पे लगेगा, तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट फीस के बारे में जान सकते हैं। और ट्रांसलेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाई अनदर कंट्री, यानी कि अगर आपके पास किसी और कंट्री का लाइसेंस है तो उसका जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में, लाइसेंस के बारे में, वो आपको जो है यहाँ पे उसको भरना है इस फॉर्म में। हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म। सो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी अरबिया, फिल इट इन अरबिक और पे 20 रियाल टू एनी एजेंट टू डू द जॉब, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको भरना है, ये अरबिक में होता है, अगर आप चाहते हैं उसको भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी एजेंट को देके 20 रियाल जो है आप इसको ये काम करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, विजिट दल्ला ड्राइविंग स्कूल, उसके बाद आपको जो सऊदी का जो ड्राइविंग स्कूल जिसका नाम दल्ला है वहाँ पे आपको विजिट करना है। मेक श्योर टू रीच दल्ला ड्राइविंग स्कूल एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द अपॉइंटमेंट एंड टेक अ टोकन, यानी कि वहाँ पे जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उससे, अपॉइंटमेंट से 30 मिनट पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, और पहुँचने के बाद फिर आपको अपना एक टोकन ले लेना है। इन द फर्स्ट ट्रायल यू विल गेट अ टोकन दैट स्टार्ट्स विद बी लेटर, यानी कि जो फर्स्ट ट्रायल होगा तो आपको जो टोकन मिलेगा वो एक टोकन मिलेगा जो कि बी लेटर से स्टार्ट होगा। दिस टोकन इज़ फॉर द लाइसेंस चेक काउंटर, तो मतलब बी का मतलब ये हुआ कि जो टोकन मिलेगा वो बी लेटर से स्टार्ट होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइसेंस चेक काउंटर पे वो जो है वो टोकन आपका काम करेगा। सो फर्स्ट ट्रायल देखिए क्या है। सो फर्स्ट ट्रायल में आफ्टर दिस यू नीड टू टेक योर फर्स्ट ट्रायल। ओके, द ट्रायल विल हैव टू डिफरेंट क्यूज, यू कैन चूज अ मैनुअल और एन ऑटोमेटिक कार। इफ यू चूज एन ऑटोमेटिक कार यू विल गेट अ सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस विद द रिस्ट्रिक्शन कोड 1। सो फर्स्ट ट्रायल में जो है आपको दो लाइन मिलेगी, पहला है मैनुअल का और दूसरा है ऑटोमेटिक का। तो अगर आप ऑटोमेटिक कार चूज करते हैं तो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्शन कोड 1 के साथ, तो इस पर क्लिक करके उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबली द गाई हु इज टेकिंग द ट्रायल विल बी अ सऊदी विद मिनिमल मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो आपका ट्रायल लेगा वो सऊदी रहेगा, सऊदी मतलब तो उसको अरबी आती है, तो वहाँ पे जो है इंग्लिश उसको कम आ सकती है। तो यहाँ पे जो है, सो इट इज़ बेटर टू नो सम बेसिक अरबिक वर्ड्स लाइक राइट, लेफ्ट, स्टॉप, स्टार्ट एंड रिवर्स, यानी कि जो बेसिक अरबिक वर्ड्स है उसको आपको जानना है, क्योंकि जो ट्रायल लेगा आपका इनिशियल ट्रायल वो सऊदी रहेगा, तो उसको हो सकता है इंग्लिश कम आए। तो आपको जैसे कि राइट को अरबी में क्या बोलते हैं, लेफ्ट को अरबी में क्या बोलते हैं, स्टॉप को अरबी में क्या बोलते हैं, स्टार्ट एंड रिवर्स को अरबी में क्या बोलते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा अरबिक वर्ड्स पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इन द ट्रायल टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, यू शुड नॉट बी हरीड। तो ट्रायल के समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको हरी मतलब जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। टेक योर टाइम टू एडजस्ट योर सीट, ओके, साइड मिरर्स, बैक मिरर्स एंड स्टेयरिंग एंड फास्टन योर सीट बेल्ट, यानी कि आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, आपको अपना टाइम लेना है, अपने सीट को एडजस्ट करना है, जो साइड मिरर होते हैं दोनों तरफ के उसको सेट करना है, पीछे का जो मिरर होता है उसको सेट करना है, और स्टेयरिंग वगैरह जो है उसको सेट करनी है, और अपना सीट बेल्ट जो है आपको लगाना है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल ही विल गिव यू अ ग्रेड अलिफ ए, यानी अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको एक मिलता है, विच मीन्स यू आर रेडी फॉर द फाइनल टेस्ट, मतलब कि आपने जो इनिशियल टेस्ट है उसको पास कर लिया है, अब आपको जो है फाइनल टेस्ट के लिए यू आर रेडी। इन अनदर केस यू विल हैव टू अटेंड क्लासेस, और दूसरे केस में जो है आपको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। क्लास अटेंड करने के बाद फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो देखिए ये जो है दल्ला का ड्राइविंग स्कूल है, जिसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। इफ़ यू आर गिवन ए ग्रेड ए यू विल हैव टू डिपॉजिट सऊदी रियाल 100 फॉर द क्लास कंप्यूटर टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि अगर आपको जो है ए ग्रेड मिल जाता है, आपका इनिशियल कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो है सऊदी 100 रियाल्स आपको डिपॉजिट करना है क्लास क्लास के लिए, और फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन कंप्यूटर टेस्ट, जो कि कंप्यूटर टेस्ट पे आपका इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको जो है यहाँ पे सऊदी रियाल आपको
100 आपको जमा करना है। अब इसका बाद क्या है, कम टू दल्ला ड्राइविंग स्कूल अगेन विद द कंप्यूटर क्लास स्लिप एंड टेक योर टेस्ट ऑन योर टर्न, यानी कि उसके बाद दोबारा आपको आना है दल्ला स्कूल ड्राइविंग स्कूल में अपनी कंप्यूटर स्लिप के साथ, जो कंप्यूटर क्लास का स्लिप होगा उसके साथ आना है, आपको अपना टेस्ट देना है वहाँ पे कंप्यूटर का। योर रिजल्ट विल बी अनाउंस शॉर्टली आफ्टर द टेस्ट, यानी आपको वहाँ पे तुरंत आपको रिजल्ट भी बता दिया जाएगा कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। तो आपको पास कैसे होना है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिखाया, तो उसी को आपको देख लेना है, उसको जो है समझ लेना है, और अगर उसको आपने समझ लिया तो यहाँ पे आपको टेस्ट आपको पास हो जाएगा। सो अगर उसी के बारे उसका लिंक जो मैंने आपको बताया उससे पहले क्वेश्चन आंसर का लिंक चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये जो कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है यहाँ पे इस तरह से टेस्ट होता है कुछ। और दल्ला ड्राइविंग स्कूल का टाइमिंग और फीस क्या है दोस्तों, इसमें आपको ये भी बताया गया है कि इफ़ यू फेल इन द फर्स्ट ट्रायल यू मस्ट अटेंड क्लासेस एट दल्ला ड्राइविंग स्कूल फॉर द नंबर ऑफ आवर्स द टेस्ट टेकर्स असाइंस, यानी कि अगर आप फर्स्ट ट्रायल में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपका टेस्ट लेने वाला बंदा था, जो वहाँ की टीचर था आपका, वो उतने घंटे क्लास आपको करनी पड़ेगी जितना घंटे क्लास वो असाइन आपको करेगा लेने के लिए। उसके बाद है यू मस्ट पे दी फी यूजिंग योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड एज दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश, तो वहाँ पे उसका जो पेमेंट आपको करना है अपने क्रेडिट कार्ड या और डेबिट कार्ड से करना है, क्योंकि वो लोग जो है कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और अपने कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से ही जो है पेमेंट वहाँ पे करना है, कैश उनको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो उसके बाद देखिए दल्ला ड्राइविंग स्कूल फी फॉर 6 आवर्स का कितना है, तो 6 आवर्स का जो फीस है वो है 690 रियाल, यानी कि आपका टीचर अगर 6 घंटे क्लास लिख देता है तो आपको 690 रियाल्स वहाँ आपको पे करना है, और अगर आपको जो 15 घंटे की क्लास लेनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1466 रियाल, 1466 सऊदी रियाल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा 15 घंटे की क्लास के लिए। तो ये जो है वहाँ का फीस है। उसके बाद देखिए यू कैन सेलेक्ट एनी टाइम स्लॉट फॉर द क्लासेस इन द ऑफिशियल टाइमिंग और वर्किंग आवर्स ऑफ द दल्ला ड्राइविंग स्कूल, तो जो कोई भी टाइम स्लॉट आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स है, जैसे कि जो उनका टाइमिंग है डे शिफ्ट में चलता है 7 AM to 12 PM और इवनिंग शिफ्ट है 3 PM to 7 PM, तो इन दोनों टाइमिंग पीरियड में जो है अपनी किसी भी टाइम स्लॉट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्लासेस के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कुछ क्लासेस होती हैं वो कुछ यहाँ पे फोटो दिया गया है, तो इस तरह से क्लासेस चलती हैं वहाँ पे आपकी जो क्लासेस होंगी। उसके बाद देखिए लिखा गया द फी फॉर दल्ला ड्राइविंग स्कूल इंक्लूड्स ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग, यानी कि जो फीस आप पे करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो देखिए आपका जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग है वो रहेगा, पार्किंग एंड रिवर्स पार्किंग वो दोनों आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद जो है यू नीड टू फिनिश रिवर्स पार्किंग सक्सेसफुली 7 टाइम्स टू क्लियर ट्रेनिंग, यानी कि आपको जो रिवर्स पार्किंग 7 बार में कंप्लीट करना है, यानी 7 बार नहीं 7 बार कंप्लीट करना है, 7 टाइम्स अगर आप पास हो जाते हैं रिवर्स पार्किंग में तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जो पेमेंट आप करेंगे ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। अब देखिए क्या है कि वंस यू कंप्लीटेड द ट्रेनिंग द स्कूल विल गिव यू अ डेट फॉर द फाइनल टेस्ट, जो आपकी ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो स्कूल है आपको एक फाइनल टेस्ट का डेट देगा, द रिवर्स पार्किंग एंड कंप्यूटर टेस्ट, जहाँ जिसमें आपका रिवर्स पार्किंग और कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। ओके, द स्कूल विल बी फंक्शनल ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट फ्राइडे, यानी स्कूल का जो वर्किंग आवर्स है वर्किंग है वो सभी दिन होता है खाली फ्राइडे को छोड़ के। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि पास होने के बाद आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग एंड कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद यू कैन गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ओके, यू नीड टू टेक योर फाइल टू अ काउंटर टू सबमिट इट, आपको जो फाइल है जब आप टेस्ट देके पास होंगे तो जो फाइल आपको पास रहेगी वो लेके काउंटर पे जमा करना है विद इन अ फ्यू मिनट्स, यानी कि एक कुछ ही मिनटों में जो है आपका नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा और आप जो है लाइसेंस वहाँ से विंडो से कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो सऊदी अरबिया का लाइसेंस है वो इस तरह से दिखता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इफ़ यू वांट टू चेक ओरिजिनली ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़ रीड दिस आर्टिकल, मतलब आपको अपना लाइसेंस अगर चेक करना है तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप उनके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए फीस क्या है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस की, तो जो यहाँ पे लिखा गया है द टोटल अमाउंट ऑफ फी यू विल हैव टू पे फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इज एज फॉलो, यानी कि जो टोटल फीस आपको पे करना है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो क्या है, तो सऊदी रियाल 400 10 साल के लाइसेंस के लिए आपको पे करना है और 20 रियाल जो है फिल ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भरने के लिए जो है 20 रियाल का फीस आपको पे करना है। उसके बाद जो कंप्यूटर टेस्ट होता है
उसके लिए जो है आपको 100 रियाल्स का फ़ी पे करना है, और उसके बाद जो ड्राइविंग स्कूल का फ़ीस है यहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं उसके लिए 690 रियाल का पेमेंट करना है। तो टोटल जो है आपको सऊदी रियाल 1210 का जो है आपको पेमेंट करना होता है एक सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए। सो दोस्तों ये अपडेट था, ये वीडियो था कम्प्लीट। अगर आपको सऊदी में जो है लाइसेंस लेना है सो इसमें मैंने बताया कि आपको जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं, किस सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको पास करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए, और कितनी फ़ीस है, क्या टाइमिंग्स है, और क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।